हम किस हालत को किस नजर से अंदर डालता है, अपने अंदर कैसे उसको रिसीव करता है, कैसी भी हालत आई है तो गुरु से ऐसी बात करो गिरी हुई, हमेशा बोलो मैं मन से डरती हूँ, क्या मन आवे क्या करेगा, मन क्या लेके आएगा, कौन सी बात लेके आएगा, हमको गुरु है, हमको भगवान है, हमारा साथी भगवान है, क्या करेगा आंधी और तूफान, कितना भी तूफान आ जाए, कितनी बात मन करे, हम लट्ठी लगाएगा है ज्ञान की, मुक्का लगाएगा, हमारे पास भगवान बैठा है। तो भगवान जिसका साथी हो जाए, सर्व सृष्टि का मालिक भगवान जिसका साथी बन जाए, उसको कौन सा मन आएगा, मन को क्या है मजा जो आ सके, मन है क्या, मन को झूठा ख्याल है, एग्जेजरेशन, मन मना एग्जेजरेशन, वथा उल्टी सीधी बात, उल्टे को सीधा, सीधे को उल्टा करना,
अच्छे को बुरा करना, जो सत्य जगत नहीं है उसको सत्य मानना, जो परमात्मा सत्य है उसको कभी नहीं मानना, ये है मन का धर्म। उल्टा चलना, मन सारा दिन तुमको बोलेगा तुम कमजोर है, तुमको ज्ञान थोड़ी लगेगा, तुम भाई तो गुरु के नजदीक नहीं है, तुमको तो ये दुख है, तुमको तो पैसा नहीं है, तुम तो कमजोर है, तुम तो गुलाम है, तुम तो बंधन में है, ये मन बोलेगा। मन को बोलो हम मुक्त है, हम आत्मा है, तुमने क्या समझा। मन को आरसी दिखाओ रोज, रोज मन को आरसी दिखाओ। एक रानी थी, उसके पास कुत्ता था, तो एक राजा ने दूसरा महला बनाया जिसमें शीशा ही शीशा बनाया, सारे शहर में डंडोरा पिटाया भाई, जिस जो कुत्ता अपना लेके आएगा और एक शेर गोश्त खा जाएगा ऐसे शीशे के महलात में, उसको मैं ये सारा महलात इनाम दूंगा। तो सारे कुत्ता अपना अपना पाला हुआ लेके आया, जो कुत्ता अंदर जाए भौंके 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 प्राणी उधर छूट जाए उसका, लेकिन वो एक शेर गोश्त खा न सके। जो अंदर जाए तो शीशा आजा, शीशे में देखे ये भी कुत्ता है, ये भी कुत्ता है, इतना कुत्ता आया है, ये कुत्ता खा जाएगा, तो उसको भौंकना शुरू करे, भौंके भौंके अपना प्राण भी दे दे, लेकिन वो एक शेर गोश्त खा न सके, क्योंकि देखे ये दूसरा कुत्ता है। एक रानी थी, वो अपने कुत्ते को रोज आरसी दिखाती थी घर में, और उसको बोलती थी ये तू है, ये तू है, ये तू है, रोज सिखाती थी, यू आर दैट भाई, ये जो कुत्ता दूसरा नहीं है, ये तुम ही है, ऐसा रोज प्रैक्टिस कराती थी। तो आरसी को देखे, शीशे को देखे, कभी घबराता नहीं था, कभी भौंकता नहीं था, बोलता था ये मैं ही हूँ। तो रानी अपने कुत्ते को लेके गई उधर, जब जैसा ही कुत्ता अंदर गया, शीशा तो बहुत देखा और मजे में आ गया भाई, ये सब मैं हूँ। सेकंड में जाके वो गोश्त खा के चला आया, सब हैरान हो गया भाई। रानी से पूछा तुमने कैसा इस कुत्ते को पाला है, हमको तो बताओ। बोला मैं इसको रोज शीशा घर में दिखाती हूँ, ये तू है, दूसरा कुत्ता नहीं है, तो भौंकता ही नहीं है भाई, आरसी में तू है। इसी प्रकार ज्ञानी अपने मन कुत्ते को रोज आरसी दिखाता है, ये तू है, ये तू है, ये तू है, ये दूसरा नहीं है, ये तू है, ये तू है, सारा दिन बोलता है ये सब तू ही है। जगत एक आरसी है शीशा, उसमें मन को दिखाता है ये भी तू है, पकड़ लगाने वाला भी तू है, मार पिलाने वाला भी तू है, तो प्यार करने वाला भी तू ही है, सब तू ही है, तुम्हारे सिवाय कुछ बना ही नहीं। तो ये कुत्ता जो है ना भौंकता ही नहीं है, भौंकना ही बंद कर दिया, और अज्ञानी बेचारे का कुत्ता अंदर ही अंदर भौंकता रहता सारा दिन। चाहे पैर से तुम ऐसा चुप करके बैठो घर में, लेकिन अंदर मन कुत्ता ना भौंकता ही रहता, फलाने ने ऐसा किया, तीरे ने ऐसा किया, फलाना राम गए, तीरा ये है, फलाने ने ऐसा किया, ये दुखी करता है मेरे को, ये सुखी करता है, ये फलाना ऐसा, ये मन रूपी कुत्ते ने आरसी देखी नहीं है। गुरु भी आरसी है और ये सारा जगत भी आरसी है, शीशा ही शीशा है, साफ शीशा, भगवान तो साफ शीशा है, तुम उसमें अपना ऐप जाके देखो, अपनी भूल देखो, लेकिन भगवान की भूल कभी नहीं देखना, दूसरे की भूल नहीं देखना, क्योंकि दूसरा भी भगवान ही है, भगवान सब रूप में आता है, तो किसकी तुम भूल देखेगा, भगवान की भूल देखेगा तुम सुखी कैसे रहेगा, क्योंकि सब सामने वाला भी भगवान बैठा। एक ही अल्लाह आदम बन के आया, अल्लाह एक नूर है परमात्मा, वो ये सब आदम बन के आया, तो तुम किसको जास्ती प्यार करेगा, किसको कम थी, कौन तुम्हारा फेवरेट है, कौन तुम्हारा अनफेवरेट है, कौन है, कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है, सब भगवान ही भगवान। पत्थर लगाने वाला भी भगवान, हलवा खिलाने वाला भी भगवान, प्यार करने वाला भी भगवान, तो निंदा करने वाला भी भगवान, सब है ही भगवान। ऐसी आरसी रोज इस मन कुत्ते को दिखाना, कभी कभी भौंकना भौंकेगा नहीं, और अपना सुख लेके जाएगा, सुखी रहेगा हमेशा, जहां जाएगा कहां सुख लेके आएगा, मौज करके आएगा। और अज्ञानी का मन चाहे कितना भी तुम उसको सुख दियो बाहर से, कितना भी प्यार दियो, सुख दियो, घुमाओ फिराओ, तो भी वह दुखी हो, क्योंकि अज्ञानी ने कसम उठाया मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहूंगा और रोता ही रहूंगा, और ज्ञानी ने कसम उठाया मैं जिंदगी में हरदम हंसता ही रहूंगा, चाहे क्या भी हो जाए हम हंसेगा, मियाँ मरे तो भी हलवा खाएगा, बीबी मरे तो भी हलवा ही खाएगा, हमको तो हलवा खाने का है, तुम जाके सब मरो तो क्या हुआ, तुम क्यों मरता है, हमको तो हलवा ही खाने का है, हमको कोई दुख नहीं होगा, लेकिन तुम बेवकूफ अपना दुख आप ही खरीद करता है। ट्रबल्स वोंट कम इफ यू इनवाइट देम नॉट,
ट्रबल सर कभी नहीं आएगी जब तक तुम इनविटेशन कार्ड नहीं भेजेगा। तो ट्रबल तुम आओ, तुम बोलेगा ऐसा बेवकूफ हम थोड़ी है जो दुख को इनविटेशन कार्ड भेजेगा। हाँ ऐसा तुम विचार करता है, ऐसी कंपनी करता है, ऐसा खोटा ख्याल करता है, खोटा संकल्प, खोटा कर्म किया है इसके लिए ट्रबल सर। तो तुमने ट्रबल को बुलाया या ट्रबल आप ही आई? ज्ञानी के पास नहीं आते है कोई ट्रबल नहीं आती है, कोई दुख नहीं आता है, पीड़ी नहीं आती है, मौत नहीं आता है, बीमारी नहीं आती है, किसका जो अपमान नहीं होता है ज्ञानी का कभी। चाहे तुम सब इकट्ठा हो के अपमान करो तो भी इसको नहीं लगेगा, बोलेगा ये तो मेरा मान ही करता है। अपमान के रूप में प्यार मिले, अभी भजन चल रहा था भाई, दुनिया मेरा अपमान करेगी तो भी हम समझेगा ये प्यार कर रही है, क्योंकि अपमान में भी हम भलाई देखेगा भाई हमारी परीक्षा हो रही है, भले ही अपमान करे ये भगवान है हमारी परीक्षा लेने आए। तुम भगवान में है कि आत्मा में है कि शरीर में, कुछ भी होगा तो हम अपनी परीक्षा समझेगा, भलाई समझेगा, और भी भगवान हमको ऊपर चढ़ाने के लिए दुख सुख देता है। अज्ञानी को देखो तो पत्थर रास्ते में पड़ा है, तो अज्ञानी उसके साथ ऐसा टकरा के रो के उधर गिर जाए, बोलेगा पत्थर भगवान ने क्यों बनाया, बहुत खराब है। ज्ञानी उस पत्थर के ऊपर पांव रख के आगे चलेगा और ऊपर सीढ़ी चढ़ेगा, पत्थर बहुत अच्छा है लेकिन उसके ऊपर पांव रखो और कम, ट्रबल्स के ऊपर ओवरकम हो जाओ, सभी दुखों के ऊपर ओवरकम हो जाओ तो तुमको कोई दुख सताएगा नहीं। दुख का जन्म ही नहीं हुआ है, मौत तो है ही नहीं दुनिया में, दुख तो कभी पैदा ही नहीं किया भगवान ने। तुम भगवान के सृष्टि में रहो, कोई दुख नहीं है। जीव सृष्टि में रहेगा, जीव देखेगा, शरीर देखेगा अनेक, तो उसका गुण दोष सारा दिन देखेगा और दुखी सुखी रहेगा। भगवान में कोई गुण दोष नहीं है, भगवान तो भगवान ही है। गॉड इज गुडनेस इटसेल्फ, परमात्मा खुद गुडनेस है। भगवान माना अच्छा ही, भगवान में बुराई होती है कभी? भगवान ने बुरा ये सब जगत बुरा बनाया होगा, वो खुद है अच्छा, खुद है अच्छा परम पिता परमात्मा बहुत शुद्ध, उसने कभी खराब बनाया होगा कुछ चीज? कोई खराब बनाई होगी? अरे विश्वास भी खराब नहीं है। एक दिन एक आदमी ने बोला ये रिश्ता खराब है, तो रिश्ता से आवाज आया, बोला अरे तुम खराब है, पहले तो मैं कराची वाले के दुकान में बैठी थी, हलवा सीरा पूरी जम्मू मिठाई सब थी, खसबे वाली थी, अरे तुम्हारे जैसे बेवकूफ से संग किया खाली अपौत्र आदमी से संग किया 24 घंटा, तो मेरी ये हालत है, तो तुम खराब है कि रिश्ता खराब? फिर भी मैं अभी बोलता है मैं खेत में जाऊंगी उधर से बहुत फल फूल फिर तुम्हारी सेवा करूंगी, ऐसी तुमने हालत किया है बुरी तो भी मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, और तुम ऐसा मन से कल 2-4 अक्षर किसी ने बोला तो तुम उसकी सेवा करेंगे, तुम उसकी निंदा करना शुरू करेगा। विष्टा तो तुम्हारे से भी अच्छी है, मन से भी अच्छी है, सब में गुण है, कोई ऐसी बात नहीं दुनिया में बनाई है भगवान ने जो खराब हो। मंदा किसम वाक्य जो है भगवान, मंदा कौन है? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल को जो आप मुझसे बुरा न कोई। बुराई है तो तुम्हारे में है, बुराई बैर नहीं है, बैर सब अच्छा ही अच्छा ही है। ऐनक ऐसी पहनो जो देखो तो अच्छा ही है आदमों में, नजारा माड़ी पड़ने से नजर आते नजारे ही नजारे, परमात्मा का नजारा। जैसी ऐनक पहनेगा तैसा तुमको बैर देखने में, तुम्हारा परचाई तुम्हारे जैसा ही है ना, लेकिन परचाई वो तुम सत्य जानता है, परचाई ये पीछे पड़ता है, ये जगत सारा परचाई है, तुम ब्रह्म स्वरूप है, जगत परचाई है, परचाई में कुछ रखा ही नहीं है, सार नहीं है, तत्व नहीं है, उधर भी भगवान ही देखो, जगत नहीं पर जगदीश देखो, हे राम जी जगत बना ही नहीं है, है ही जगदीश, है ही भगवान, बसकर बसकर आई अला, जो अल्लाह देखेगा वो कभी जगत नहीं देखेगा। और जगत तो रैन का सपना है, जगत तो मिथ्या है, जगत तो नाटक है, सिनेमा है, एक घटना है, एक कहानी है, दुर्घटना है भाई, आज एक दुर्घटना हो, ये जगत तो घटना है, एक कहानी है, तुम समझो अपनी लाइफ सुनाता है, एक घंटे में सारी कहानी सुना सकता है सारी लाइफ की, तो क्या हुआ तुम्हारी सारी उम्र एक घंटे की कहानी होगी, तुम लंबी लंबी बात कितनी भी लेके आओ हम बोलेगा ये कहानी पूरी हो गई खत्म खलास, तो तुम कहानी में ही पड़े हैं सारा दिन, उसकी कहानी उसकी कहानी उसकी कहानी, अपनी कहानी याद करके रोता है दुखी होता है,
है ही कहानी झूठ, कुछ है ही नहीं सच। तुम देखता है सिनेमा, सिनेमा में ये नाम रूप सब जो एक्टर्स है ये झूठी झूठी एक्टिंग करते हैं, बाकी सच तो पर्दा जो है वो साफ है, एक रस है, हमेशा साफ है। तो पर्दे के ऊपर ये सब नाम रूप की कहानी है, ऐसी तरह से ब्रह्म जो है वो साफ है, ये नाम रूप की कहानी चलती है, नाटक चलती है। तुम नाटक में अटक जाते, अभी नाटक में नहीं अटको, नाटक को नाटक करके देखो, सच को सच करके देखो। जगत में क्या है और ब्रह्म सत्य है, तो सत्य में मन को टिकाओ, सत्य से प्यार करो, सत्य में रहो 24 घंटा, झूठ को छोड़ दियो, ये ऐसा ही चलेगा खेल, नाटक तो चलता ही रहेगा। तुम उसी नाटक में अटको नहीं, उसी से भी तुम गुण उठाओ। सब बातों से जाते हैं ना सिनेमा में, से हम गुण उठा के आते हैं, तो ये सिनेमा नहीं है जरूर गुण उठाओ। हम भी देखे 5 रुपया तेरा निकाल के टिकट का, और वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट ऑफ मनी करके टके वाला नाटक देखने जाती है। मैं उसी से गुण उठा के आती हूँ, टीवी में नाटक देखती हूँ, गुण उठाती हूँ। ये तुम्हारे घर में रोज नाटक चलता है, इसी से गुण उठाओ। बेटा कैसे चले, बेटी कैसे चले, मर्द कैसे भी चले, कोई भी झगड़ा घेरा प्रेम हसद साड़, कभी कुछ होता है, कभी सुख भी होता है, कभी दुख भी होता है, जो नाटक में होता है वो तुम्हारे घर में रोज होता है। तुम अपने घर में नाटक क्यों नहीं देखती है? हम तो अपने घर में रोज नाटक देखते हैं, कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई गाता है, कोई नाचता है, कोई दुखी होके रोता है, कोई विधवा आती है मेरा मर्द मर गया, हम बोलते हैं नहीं तुम झूठी हो, तुम्हारा मर्द था इधर मर गया, तुम्हारा मर्द अभी भी बैठा है तुम्हारे अंदर ही बैठा है। पति तुम्हारा है परमात्मा, तुमने इस नाम रूप को पति समझा, अरे नाम रूप का कपड़ा तो चेंज होने वाला है, लेकिन तुम्हारा पति सच्चा परमात्मा तुम्हारे संग है, अभी भी तुम स्वागत हो। तो विधवा 2 मिनट में हंसती है कि मैं स्वागत हूँ, नाचती है, अभी अभी 2 विधवाएं आई थी हमारे पास जो 3-4 महीने से विधवा हो गई है, छोटी छोटी उम्र की, इधर सब नाच के गई, बोला तो अभी मेरा पति परमात्मा, मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत खुश हूँ, मेरे को भगवान मिल गया सच्चा। तो अगर दुख सत्य होता तो सत्य दुख कैसे निवृत्त होता? इसका मतलब था दुख मिथ्या था, झूठा था, इसके लिए तो निवृत्ति हो गई। तो सब दुख जो है तुम्हारा मिथ्या ही है, कितनी भी कहानी तुम लंबी चौड़ी सुनाएगा ना, हम 0 करके देखेंगे, कुछ नहीं। बुलाओ झूठ को, बुलाओ सत्य में आ जाए। जो भी बात याद करने की नहीं है, याद करके क्या करेगा वो जमाना, भूल जा, भूल जा, जो देखता है जो है देखा भूल जा। फॉरगेट एंड फॉरगिव, फॉरगेट एवरीथिंग, सब कुछ भुलाने का ही है, जो है ही कुछ नहीं उसको भुलाओ, जो सब कुछ परमात्मा है उसको याद रखो, सत्य में टिको, सत्य को याद रखो, आत्मा में ही तिरुपति वाला बनो, अपनी आत्मा में ही संतुष्ट हो जाओ, अपने आत्मा को ही प्यार करो, अंदर वाले से फिट हो जाओ। तुम अंदर वाले से ही फिट नहीं है, तुम्हारे अंदर ही गड़बड़ा है, तो गड़बड़ बाहर दिखाती है, इधर बाहर गड़बड़ बहुत है। हमारे घर में ना बहुत अशांति है, नहीं तुम्हारे मन में अशांति, अंदर वाले भगवान से फिट हो जाओ तो राजी रहा में तेजे सदाई सतगुण कुर्की न दिल के काड़ो कदे मां करया सर, भगवान हम राजी रहेगा आज से, तेरा बाणा मीठा लागे। जैसा जैसा शरीर ने कर्म किया भले इसको सजा देना, फॉरगिव मी नॉट ऑल लॉर्ड, पनिश मी फॉर एवरी फॉल्ट, ये ज्ञानी की हमेशा प्रार्थना है, भगवान मेरे को माफी नहीं देना, माफी मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि सिन में मल्टीप्लाई, अगर माफी मिलेगी तो तुम सिन करता आएगा, मल्टीप्लाई करता आएगा, और अगर सजा मिलेगी तो तुम्हारा सिन नो मोर, फिर तुम सिन नहीं करेगा, बोलेगा नहीं सिन करेगा सजा मिलेगी। जैसे सही को सजा मिलनी चाहिए जो कुछ किया है, अभी से तुम ऐसा पावरफुल बन जाओ तो अभी से तुम कोई पाप नहीं करो, कोई भूल नहीं करो, लेकिन भगवान से माफी नहीं लियो, लेकिन अपनी भूल को सुधारो। एक नौकर था, उसका सेठ रोज भगवान को बोलता था, भगवान मेरा अवगुण जितना धरना, मेरे ऐब को नहीं देखना, भगवान मेरे को माफी देना, भगवान मेरे रोज प्रार्थना करता। एक दिन नौकर से सब प्लेट जो है 50 प्लेट वो लेके आया था पार्टी पर, वो ऐसी टूट गई, सेठ को क्रोध आ गया, नौकर ने बोला तुम रोज भगवान को बोलते हैं भगवान मेरा अवगुण चित्त नहीं धरो, तुम भी तो मेरा मालिक है, मेरा अवगुण तो चित्त नहीं धरो ना, तुमको क्रोध आता है तो भगवान को भी क्रोध आएगा तुम्हारे ऊपर,
तुम सबकी भूल माफ कर सकता है, दुनिया में सबका पाप भूल सकता है, तभी तुम्हारा भगवान पाप भुलाए, नहीं तो तुमको भी माफी नहीं मिलेगी जब तक तुम दूसरे को माफी नहीं मिलेगी। एकदम फॉरगेट कर दियो, फॉरगेट कर दियो, फिर उसको जब भी मारो फिर प्यार करो, भाई तुम्हारा दोष नहीं है। जिसके साथ झगड़ा झेड़ा असद सार कुछ भी किया हुए, आज ही जाके माफी लेना सबसे, भाई मैंने तो तुमको भगवान नहीं समझा, मैंने तुमको मर्द समझा, बेटा समझा, नौकर समझा, आज से मेरे को माफी दियो, मैं तुम्हारी भूल देखता था तभी मैं दुखी था, आज से मैं किसकी भूल नहीं देखूंगा, तुम भगवान तभी तुमको शांति आएगी। तुम्हारे को दिव्य माया मिलेगी तो रंग का की तरह तुम बोलेगा तो मेरे को नहीं चाहिए, बोलेगा पट्टन में पे ही भगवान जी धरती ही मैं खड़ी है, भाई मेरे को मिल गया सोना, मैं धरती में पड़ा था तो मैं ऐसा लेके आई, लेके आएंगी किधर करेंगी, अच्छा मैं दान करती हूँ, फिर दान करके जाएंगी, फिर दूसरा कदम बनाया तो कोई भी चीज तुम्हारे को आके मिलती है, चाहे भगवान से ही मिलती है, लाख रुपए की लाटरी मिलेंगी तुम खुश होएगा, रंज होएगा, माया को कितना मिथ्या जाना है, कुछ भी मिलता है तुमको तो तुमको खुशी होती है, गरीबी तुमको पसंद है, बोलते हैं वाह गरीबी वाह गरीबी, भगवान अगर थोड़ा भी तुमको कम देगा ना भी तो तुम ऐसा नीचे ऊपर हो जाएंगे, भाई अभी तो पहले तो 1,000 देता था महीने में, अभी तो 800 देता है, हमारा खर्चा कैसे चले, थोड़ी भी गरीबी तुमको पसंद नहीं है, जास्ती मिलता है तुम खुश होते, और खाता तो 200 वाला भी है, 400 वाला भी है, 4,000 वाला भी खाता हुई वो ही है, राजा 2-4 रोटी तुम्हारे से जास्ती खाता होगा जरूर, उसके पास बहुत पैसा है, राजा कितना खाता है पता है तुमको, वो गणती खाता है, चिंता खाता है, पैसा नहीं खाता, ये रोटला नहीं खाता है, रोटला तो तुम इतना बड़ा बड़ा खाती है, काम करती है जास्ती तो बड़ा रोटला तो खाती है, वो तो बेचारा राजा तो खाता भी नहीं है, उसको तो मन है राजा को, वो खाली चिंता खाता है, तो उसको पैसा भी है इतना तो भी खाता कितना है, तो तुमको कितना भी भगवान थोड़ा देगा या जास्ती देगा, खाना तो उतना ही तुम खाएगा, जितनी तुम्हारे को भूख है उतना खाना तुमको भगवान जरूर देगा, खाना पीना कपड़ा सोने के लिए 6 फुट वो जरूर देता है तुम, मुए को प्रभु देता है कपड़ा लकड़ी आग, जीवत नर जो चिंता करे उसके बड़े अभाव, मुर्दे को भी कपड़ा लकड़ी आग सब देता है भगवान, तो तुमको कहे की चिंता है, तो ब्रह्माकार वृत्ति समझा भी तो मायाकार वृत्ति क्या है, मायाकार वृत्ति माना माया देखना ही पाप है, उसने बोला तुमने माया देखी क्यों, ईश्वरपिया देखी क्यों, सोन देखा क्यों, मट्टी देखा क्यों, अलग अलग क्यों करके देखा, सोना भी आत्मा मट्टी भी आत्मा, कुछ भी रास्ते में पड़ा रहे तुम आगे चलो, तुमने क्यों देखा ये सोना है ये मट्टी है, मट्टी को सोने से, सोने को मट्टी से ढका, तो मट्टी और सोना दो देखा ना, ब्रह्म क्यों नहीं देखा, हम तो ब्रह्म देखते थे, हम तो चले जाते थे, तो तुम भी रास्ते से जाते हैं पतार से देखते हैं या ब्रह्म देखते हैं, रास्ते में जाएंगे ये मेरी सस जा रही है, ये मेरा ससुर जा रहा है, मेरी सहेली जा रही है, ये मेरी बहन जा रही है, ये मोटर है, ये बस है, ये गाड़ी है, ये फलानी साड़ी रखी है, ये फलाना सूट रखा है दुकान पर, तुम पतार से देखेंगे या ब्रह्म ही ब्रह्म देखते है, कैसे आते और जाते है बाजार से, किधर तुम्हारा ध्यान जाता है, तुम अपने ही मगन रहते हैं धुन में या इधर उधर देखते जाते हैं, जो अपनी धुन में मगन है वो अपने ही ख्याल में जाते हैं, भगवान के ख्याल में जाते हैं, वो कहां देखता भी नहीं है कोई संसार है भी, कोई लड़का जाता है या लड़की जाती है, माई जाती है, दाई जाती है, हमारा वास्ता है क्या किसी, देखता भी क्यों है किसी, भगवान ही भगवान देखो बस, दूसरा कोई है ही नहीं, जो भगवान देखता है वो काम गिरता ही नहीं है, वो कभी भूलता भी नहीं है, और तुम भूल जाएंगे इधर बोलेगा भगवान, फिर नीचे जाएगा तो बस उधर ही सास और बहू बन के बैठ जाएंगे, एक कुर्सी पर एक टाइम पर एक आदमी बैठता है, या तुम्हारे भीतर आत्मा बैठेगा या तुम्हारे भीतर जगत बैठेगा, या तू आत्मा है या तू फलानी भाई है, फलानी भाई बनेगी तो सब तुम्हारे से
कनेक्शन संघ ये सब तुम्हारा जो सनमंद है वो तुम्हारे से करता रहेंगे और भगवान देखेंगे तो कोई सनमंद ही नहीं। अभी तुम बताओ तुम क्या देखते हैं? एक समय मेरे को मिल गया, दूसरा समय मेरे को नहीं मिला, तो मैं पढ़ क्या? एक ने अपनी आत्मा को जाना है, दूसरे ने अपनी आत्मा को नहीं जाना है, सिर्फ बचा के चलता है। ऐसा दिखाई देगा भाई ये तो सारा दिन नमस्ते ही रहता है, इसको तो पता नहीं क्या मिला। ये तो हर बात में जो तृप्त है, जो अपनी आत्मा में तृप्त है, अपने आत्मा में प्रतीत वाला है, अपनी आत्मा में अम जो रचता रहता है, रमता रहता है, अपनी आत्मा में प्रीति वाला है, तृप्ति वाला है, प्रीति वाला है, जो अपनी आत्मा को प्यार करता है, तरह की आत्मा को प्यार करता है, अपनी आत्मा समझ के खुश रहेगा। कुछ मिलेगा मेरे को दूसरे जन्म में या दस जन्म में भी इच्छा मिलेगा कुछ नहीं। आखिर भी हमको अपने मित्र पति लाने की है कि मेरे को मिल गया, मेरे ऊपर भगवान की मैं हो गई है, मेरे अंदर ही अंदर जो मेरी आत्मा जग गई है। उनका काम है तुम्हारे अंदर वाले गुरु को प्रकट करना, बैर वाला गुरु नहीं, अंदर तुम्हारे गुरु प्रकट हो जाए, चौबीस घंटा तुम उसको ही देखो। जहाँ गुरु माना आत्मा, तुम्हारे अंदर की ज्योति जला है कि तुम काम है वो तुम्हें तो भगवान के साथ ही हूँ, भगवान मेरा साथी है, संगी है, मैं अकेला नहीं, जहाँ भी मेरे साथ सोता हूँ वो इकट्ठा सोता है, बात करता हूँ वो बात करता है, जवाब देता है अंदर ही अंदर, राइट रॉन्ग सुनाता है, सलाह पूछता हूँ तो अंदर से जवाब आता है, बुद्धि तेज करता है गुरु हमारे, जैसे तुमको राइट ट्रांग का अंदर ही पता चल, ये है गुरु का काम। तो भीतर तुम्हारे गुरु जैसे बस गया है, मन में, तन में, वाणी में, हर बात में तुम्हारे अंदर भगवान बैठा है, तुम बात ही भगवान की करेगा, कोई कहा से बात करेगा तो बोले भगवान देखो, कौन सी बात करेगा बोलेगा भगवान देखो, कई भगवान कैसी बात करते तो भगवान करके देखो, अपना आप करके देखो, कैसी भी बात तुम लेके आओ, कैसी भी बहुत दुखे में रुकी बात लेके आओ, भाई ऐसा हो गया मेरे घर में, ऐसा हो गया फलानी मत, ऐसे हो गया भगवान ने कोई ही कुछ हुआ है तो क्या हुआ, तो बन नहीं है अच्छा हुआ है, इसने तेरे लिए ऐसी गाली दिया, अरे गाली तो शब्द थी, अभी कोई तुम्हारे पास पुलिस में बहुत अच्छा शब्द तुम्हारे लिए कहा तो तुमको खुशी होती है, कोई उदर्श ने बहुत तुम्हारे लिए गिला किया उसी दिन तुमको खुशी होती है, गिला वाला भी भगवान है, ये भगवान है जो हमको और सुधारने के लिए गिला भी करता है, हमको ऊपर चढ़ाने के लिए, हमारी स्थिति कहाँ है, हमको दुख होता है कि सुख होता है, क्या होता है अंदर में, फीलिंग कौन सी आती है, इसके लिए जो भी आप पॉजिटिव चले और जैसे जैसे ड्रामे में कोई चेंज आ रहे तो तुम समझना ये हमारे जंप देने के लिए और ऊपर चढ़ाने के लिए, सीधी सीधी लाइफ हमको पसंद है तो ये हमेशा सुखी सुख रहे, तब अच्छा बोले, सब प्यार करे, सब मेरी इज्जत करे, सब मेरे को मान करे, कोई बुरा बोले ही नहीं, कोई अपोजिट वर्ड्स बोले ही नहीं, कोई रूल खड़ा ही नहीं मेरे सामने, कोई मेरे को गाली नहीं दे रहे, उल्टा सीधा नहीं बोले, अरे जिस दिन उल्टा सीधा बोलेगा कोई गाली देगा कोई बात करेगी तुम्हारे को अपना पता करे, तो गुरु ने मेरे को कितना ज्ञान दिया, कितना ज्ञान पक्का है मेरे, हम भगवान देखते भी दूसरा देखते, सब रूप में भगवान खुद आके जो उसको ब्राह्मण करना है वो करता, हरकत में बरकत हो जाती है, यानी एक साथ कोई हरकत करता है तो समझाए उसमें भी बरकत, कैसी भी कोई बात करेगा हमारी भलाई, सब बात हमारे पास
जो उल्टा सीधा करता है वो खुद ही पछताता है, लेकिन ज्ञानी तो हर बात में भलाई देता है, हमेशा शीतल है, शांत है, इसका दोष नहीं देखता है, मतलब ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ऐसा क्या तो भी अच्छा, ऐसा कहा तो भी अच्छा, और तो वो आग लग जाती है तो मेरे लिए ऐसा क्यों कहा, मैं तो राइट हूँ, राइट ऑर्डर ऑन कौन है। अगर कोई कुछ बोलता भी है तो तुम अपनी मिस्टेक जान दो, तुम्हारे लिए तो मिस्टेक नहीं है कोई, मिस्टेक यही है कि तुम आत्मा नहीं देखते, आत्मा देखेगा तो तुम्हारे कुछ लगेगा ही नहीं कि मैंने कुछ रॉन्ग किया है राइट किया, जब तुम देह में है तो रॉन्ग राइट में है तो शायद रॉन्ग राइट तुम्हारे होता भी हो, देह देखिए हमेशा भूला ही पड़े, अपनी भूल जान दो, अपनी भूल देखते रहो, अगर तुम आत्मा में है तुम्हारा अंदर वाले कहेगा तो मेरे साथ कोई भी भूल नहीं होगी, मैं तो आत्मा ही देखता हूँ, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मेरे अंदर क्या ही है, तो तुम्हारे अंदर शक्ल की कमाई नहीं करेगी, तुम दुखी भी नहीं होगा, तुम्हारे से शब्द भी ऐसा नहीं निकलेगा, हमेशा भगवान करते दुखे और राशि जो हमेशा राशि है वही भगवान है वही राजा है, राजा कोई ऐसा नहीं है जिनको दखल 10 लाख मिल जाए, 10 करोड़ मिल जाए, वो बड़ा ऐसा नहीं है, तो हर बात में राजी रह सकता है, वही राजा है, वही सच्चा भगवान है। ये यार जो नहीं बोलता महिलाओं, ये यार तुम्हारे अंदर ही है, अंदर वाले भगवान को प्रकट करो, मेरे अंदर भगवान बैठा है, मैं अकेला नहीं, सदा मतलब तुम साथ, बैठ से कोई यार नहीं आगा बिलर से भाई आए तो बिलर से यार है, जिस फ्रेंड से आया तो चला जाएगा, जिस फ्रेंड से जो आएगा वो बैठ चला जाएगा, तो अंदर बैठा वो किधर जाएगा, बैर वाला भगवान तुम बोलेगा ये साकार में आया था फिर चला गया, हम नहीं बोलते वो कोई चला गया, वो कोई भगवान है, भगवान तो कभी भी चला नहीं जाता, भगवान तो 24 घंटा हर हमेशा हमारे साथ है, वो है भगवान, शरीर भगवान नहीं है जिसका, वाणी भगवान है, आत्मा भगवान है, उसने जो हमारे अंदर वाणी फूकी है, ज्ञान फूका है, जो आत्मा का ऐसा दीप जलाया है ज्ञान का, वही भगवान है, शरीर तो एक खाल है लेकिन अंदर उसके क्या है, जो खजाना है ज्ञान का वही गुरु है, वही भगवान, तो जो तुम्हारे को खजाना देता है वो तुम्हारा भगवान है, और खजाना तुम्हारे अंदर का तुम भगवान है, बैर से कुछ तुम्हारे को देता है लकड़ी तो ये लियो ये खजाना है तुम्हारा नहीं, तुम्हारे अंदर ही पड़े खजाना, तुम्हारे अंदर वाला गुरु प्रकट करता है, भगवान तुम्हारे अंदर का प्रकट करता है, अभी तुम कहां नहीं रहेगा, चाहे गुरु तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहेगा, या तुम कौन से भी शहर में जाकर बोलेगा मेरे साथ भगवान है, उसकी याद उसकी वाणी उसकी बातें चलती रहती है, तुम्हारे साथ सदैव अंतर है। होता है गुरु को कि मैंने तीनों ही कर्म छोड़ दिया है, तीनों ही किस्म का कर्म, कायक वाचक और मानसिक, पहले पहले कायक कर्म है शरीर का कर्म, वो कौन सा छोड़ा, अब इच्छा ही नहीं है कुछ भी, तो शरीर का कर्म भी सहज ही टूट गया, शरीर का कर्म क्या था, बाहर का सत्कर्म, दान पुण्य फर्ज धर्म ड्यूटी मर्यादा, तीर्थ स्नान में जाना, गंगा जी में जाना, तीर्थ करना, ये जो है बाहर से ऐसा बैठना, सोना खाना, मतलब शरीर का जो भी कर्म है वो मैंने त्याग कर दिया है, क्योंकि मैं शरीर ही नहीं, मैं शरीर ही नहीं हूं, तो कर्म किसने किया, कैसे मैं कर्म करूं, जब मैं देह ही नहीं हूं तो कौन सा कर्म करूं, इच्छा ही नहीं है, तो जो भी मेरा पहला कर्म था अहंकार से जो कर्म कर रहा था, मैं करता हूं, मैंने दान किया, मैंने जप किया, मैंने तप किया, मैं बाहर जाता हूँ, मैं तीर्थ करता हूँ, दान करता हूँ, ये जो भी अहंकारी कर्म था और द्वेष का कर्म था, मैं इसको दान करता हूँ, मैं इसको मदद करता हूँ, मैं इसको प्यार करता हूँ, मैंने इसको दिया, मैंने इसको लिया, जो भी ये शारीरिक कर्म था पहले जो मैं देता था लेता था, सत्कर्म करता था, भटकता था मंदिर में ठिकाने में, इधर जाना उधर जाना, भगवान के लिए सब कर्म करना, दूसरा खुश हो जाए उसके लिए कर्म करना, दूसरे को दान करना, ये गरीब है मैं शाहूकार हूँ,
जो भी शरीर काम पहले मैंने किया था अभी मेरा बंद हो गया था। फकीर को देना, ये करना, जो भी कर्म था टोटली सत्य चाहे बद्ध, शरीर से जो कर्म था वो मैंने छोड़ दिया, चाहे सत्य कर्म चाहे बद्ध कर्म सब मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मैं अभी दे ही नहीं, तो मेरा कर्म ही छूट गया, शरीर का अहंकार छूट गया, मेरा कर्म ही छूट गया। कितनी सरलता से गुरु हर बात समझा देता है। ऐसे सब कर्म छोड़ने भागते हैं, सन्यासी भी कहते हैं हमने कर्म छोड़ा, और राजा जनक भी बता रहे हैं मैंने कायिक वाचिक मानसिक तीन ही प्रकार का कर्म छोड़ा। लेकिन वो सिर्फ बाहर का त्याग करते हैं, ब्रह्मज्ञानी कर्ता भाव से छूटता है। जब भी कोई कर्ता भाव से छूटेगा तो अपने आप ही सब कर्मों का त्याग हो जाएगा। जो अति आवश्यक शरीर से सेवा होनी है, जो सेवा सामने आएगी वो भी सहज स्वभाव हो जाएगी, उसके लिए भी मन में कोई शोर नहीं है, हठ भी नहीं है। सन्यासी जब भी त्याग करके जाएगा तो उसके पास हठ भी होगा, मैं ये करूँगा मैं ये नहीं करूँगा। ब्रह्मज्ञानी के पास हठ भी कोई नहीं है। लेकिन जैसे एक पति के मरने पर तीन ही स्त्रियाँ अगर उसकी हों तो तीनों विधवा हो जाती हैं, इसी प्रकार से अहंकार के मरने पर तीन ही प्रकार के कर्म का नाश हो जाता है, चाहे वो संचित कर्म है, चाहे वो प्रारब्ध कर्म है, चाहे वो क्रियामान कर्म है, चाहे वो कायिक कर्म है, चाहे वो वाचिक कर्म है, चाहे वो मानसिक कर्म है। जब अहंकार नहीं रहता है तो सभी प्रकार के कर्मों का नाश हो जाता है। और जब तक अहंकार शेष है तो ना करने में भी एक करना हो गया ना, मैं नहीं करता हूँ इसमें भी करना हो गया, एक है करता हूँ एक है नहीं करता हूँ, दोनों ही कर्ता भाव वाले हैं। एक को करने का हठ है, दूसरे को पीछे ना करने का हठ है, लेकिन ज्ञानी के पास किसी भी प्रकार का हठ नहीं है, ना वो करने में ना ना करने में। अगर सामने कुछ आ जाता है तो सहज स्वभाव हो भी जाता है, नहीं हो जाता है, नहीं अंदर संकल्प होता है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ऑल इज़ वेल, सब ठीक है, ऐसा भी होता है, अंदर उसके परम शांति है। ये जो अशांति रही है अपने कर्ता भाव से पैदा हो रही है, हर एक व्यक्ति अंदर कर्ता भाव के अधीन है, और करता है तो भोगता भी है। अब कर्ता सो भरता सो मरता, फंसेगा ही सही, पर जब भी कर्ता भाव से छूट जाते हैं तो सुखी हो जाते हैं। गुरु हमको कर्ता भाव से छुड़ाने के लिए मेहनत करता है। जो सब कर्मों को छोड़ने की बात भगवान ने गीता में कही कि सब कर्म छोड़ के, धर्म छोड़ के और मेरी शरण आ जा, तो कर्म छोड़ेंगे कैसे? स्वरूप से कर्म का त्याग है भी नहीं, अपनी देह का कर्म तो है ही सही, अभी इसको भोजन खिलाना भी तो एक क्रिया है, आँखों का देखना भी तो एक क्रिया है। फिर भगवान क्यों कहते हैं कि कर्म छोड़ के मेरी शरण में आ जा? उनका मतलब है कर्ता भाव से संन्यास ले। कर्म से धर्म से दोनों बातें आ गईं कि कर्मों से भी संन्यास ले, धर्म से भी संन्यास ले और मेरी शरण आ जा। अब कर्म से संन्यास कैसे लिया जाए? कर्म संन्यास, ये सन्यासियों को बहुत उलझाता है शब्द कर्म संन्यास, सोचते हमको कर्म से संन्यास लेना है। कर्म संन्यास कर्ता भाव से संन्यास होता है, कर्म से संन्यास नहीं होता है। कितने संत घर में अग्नि भी नहीं जलाते हैं, भाई इतना हम छूटे हुए हैं, लेकिन भिक्षा मांगना भी तो कर्म है, भोजन करना भी तो कर्म है,
तो छूट तो नहीं पाए। तो कर्म का त्याग कर्म संन्यास नहीं होता, कर्ता भाव का त्याग कर्म संन्यास होता है, जो अहंकार उठता है अंदर में। और धर्म संन्यास का मतलब किसी धर्म से संन्यास लेना नहीं, पर धर्म से संन्यास लेना, जो इंद्रियों के धर्म में हम मैं करते हैं उससे संन्यास लेना, इसको बोलते हैं धर्मों से ऊपर उठना। अब हम सोचते हैं हिंदू मुसलमान ये वाले धर्म से ऊपर उठ जाएं, इसको तो भगवान जानते ही नहीं है, क्योंकि आत्मा में कोई धर्म है ही नहीं, आत्मा निर्धर्मी है। सो बात कौन सी आ गई कि जो पर धर्म में तेरा मन जाता है, जो इंद्रियों द्वारा कार्य होता है, और तू सोचते हो मैंने किया, मैं ना करूं तो कौन करे, ये वाले धर्म भगवान कहते हैं छोड़। क्योंकि जब तक तू इस कर्म और धर्म में फंसा रहेगा तब तक मेरी शरण स्वीकार नहीं कर पाएगा। मेरी अनन्य शरण कौन स्वीकार कर पाएगा? जो अहमता ममता कर्ता से अपने को छुड़ाएगा। मेरी शरण लेने के बाद तेरी मैं नहीं, मेरी मैं चलेगी। तेरा जो ये ममता का रूप है, मेरा सर्व मम रूप हो जाएगा। और तू जो ये जान के चलता है कि मैं करता हूँ, तो निश्चय करना होगा करण करावन आपे आप, ऑटोमेटिक सृष्टि चल रही है। सोई ये कर्म और धर्म जब तक छोड़ेगा नहीं, मेरी शरण भी पूरी तरह ले नहीं सकेगा। अंदर से ही उसका मन पूरी तरह शरणागत तो नहीं पाएगा, क्योंकि बार बार उसको अंदर अहमता तंग करेगी, ममता तंग करेगी, कर्ता भाव उसको दुखी करेगा। सो भगवान उसको बोलते हैं अर्जुन को, सर्व कर्मान परित्यज्य सर्व धर्मान संन्यसे माम एकम शरणम वज्र, मेरी एक मुझ एक की शरण आ जा। तो आत्मा की शरण कैसे लेगा कोई, आत्म निश्चय कैसे करेगा कोई, जब वो बाहर से इस कर्तापने भोक्तापने से ऊपर उठेगा तभी ले पाएगा, अदरवाइज वो शरण नहीं ले पाएगा। अब जब तुम ये जानते हो मैं करता हूं तो ये जीव भाव हो गया, जब तुम जानते हो मेरे हैं, मेरा उनमें मोह पड़ा है, ये जीव भाव हो गया, तो आत्मा की शरण नहीं ली जा सकती है। देह की मैं करने वाला आत्मा में कैसे जागृत होगा? जब ही देह का अहंकार छोड़े, और देह का अहंकार भी जब ही छूटता है तो भी अंदर सूक्ष्म में अहम फील होता है, वो फिर गुरु को समर्पण करने के बाद पूरी तरह से अभिमान खत्म होता है, पूरी तरह से मैं खत्म होती है। तभी कल भी बात चली थी, भगवान ने अर्जुन के लिए विटनेस दिया कि मरा तो केवल एक अर्जुन। भगवान ने बोला मरा तो केवल एक अर्जुन, क्यों? भगवान को खात्री होनी चाहिए, जो तुम अपने से बोलते हो मैं मुआ, मैं मिटा, मैंने अहंकार गवाया, उसमें भी अभी सूक्ष्म तुम्हारा अहंकार जीवित रहता है, क्योंकि तुम्हें मन चलाता है और तुम सोचते हो मैं सहज चलता हूँ। जिसने गुरु के अंडर ड्रिल नहीं किया है वो निराकार के अंडर ड्रिल नहीं कर सकता है। जिसने गुरु को सौंप के गुरु के अनुसार नहीं चला है वो फिर मन के अनुसार ही चल रहा है, वो खाली बोल रहा है मैं चल रहा हूँ चल रहा हूँ। पहले पर इच्छा से चलते हैं, फिर ईश्वर इच्छा से चलते हैं। पर इच्छा माना गुरु की इच्छा, स्वेच्छा काटने के लिए पहले गुरु की इच्छा से चलो, पीछे तुमको ईश्वर इच्छा पर चलना आएगा, नहीं तो नहीं आ सकता है। तो अंदर से कुछ चीजों को हम सूक्ष्म में पकड़ के चलते रहते हैं, उनका छूटना बहुत जरूरी होता है। ऐसे लगता है मेरा धर्म नहीं है, पर धर्म हम स्वीकार कर तो लेते हैं। अब क्या भरत को पता नहीं था हिरण के बच्चे का मेरा कोई धर्म नहीं है, हिरण के बच्चे को पालना, उसके लिए चिंतित होना मेरा धर्म थोड़े ही है, लेकिन फिर भी धर्म पाल लिया। अब उसका बच्चा नहीं है फिर भी बच्चे के न्याय प्यार करने लगा, ममता नहीं हो सकती जानवर के बच्चे में फिर भी उसकी ममता हो गई, कर्ता भाव भी आ गया, मैं पालता हूँ कहीं कुछ हो ना जाए इसको, उसको कितनी सारी चीजों ने घेर लिया, क्योंकि अंदर से
देह का धर्म जब माना हुआ है ना, सारे धर्म आ जाते हैं। जब कोई देह का धर्म स्वीकार करके बैठेगा, सारे धर्म ही आ जाएंगे। अब उसको भी अंदर तो लगता था मैं संत हूं, मैं थोड़ी फंसने वाला हूं, मैं थोड़े ही अटकने वाला हूं। बोलने में शब्द बहुत आसान होते हैं, लेकिन इंटरनली मन प्रभावित रहता है चीजों से। अब देखना, आपका मन प्रभावित रहता है। अब हिरण का बच्चा रुल ना जाए, हिरण को चिंता नहीं है, इसको चिंता है। रुल ना जाए, कोई उसको जानवर ना खा जाए, अभी वो छोटा है, अब इसको क्यों फिक्र हो रही है उसकी। इसका मतलब अंदर इसने पालने वाले का धर्म स्वीकार कर लिया। बाहर से जब हमारे पास रिश्ते नाते नहीं होते हैं, हम सोचते हैं हम फारिग हैं, हम ना इन धर्मों से फारिग हैं, लेकिन ये धर्म पालने में मन को देर नहीं लगती है। ये कहीं भी धर्म पाल लेता है, मुश्किल थोड़ी है, कहीं भी कुछ बन जाता है। धर्म के भाई बन जाते हैं, धर्म की बहनें बन जाती हैं, धर्म की पत्नी तो समाज ही स्वीकार करके देता है तुम्हें, है कि नहीं है। अब ये धर्म छोड़ने की बात सही कही ना फिर भगवान ने, ये जो तुम धर्म पे आ जाते हैं तो स्वधर्म को तो जानते नहीं है, धर्म पे आ गए तुम और ऐसे ही तुम धर्म के कुछ 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 बन गए। कई बार मुंह से नहीं बोलते हो, अंदर से बन जाते हो तो दिक्कत आ जाती है। कोई तुमसे बहुत सेटिस्फाइड होता है बात करके, सलाह करके, नहीं मेरी माँ तो अपनी जगह, तुम मेरी धर्म की माँ तो आप ही हो मेरी, मन बन गया हाँ हाँ मैं धर्म की माँ हूं। माँ बन गए, क्वारी माँ बन गए, क्वारे बाप बन गए, बन गए। क्यों? अंदर वाले को जब कोई ओहदा मिलता है, अब इतना तो देह अध्यास से चिढ़ते नहीं हो ना कि कोई कुछ बनाना चाहे और तुम्हें मिर्ची लग जाए, बल्कि अंदर वाले को खुशी होती है, सुकून महसूस होता है। वो फिर जो उसके अंदर अनभोगी तृष्णाएं पड़ी रहती हैं उनके थ्रू पूरी करने की कोशिश करता है। एक बच्चा ही कोई तुम्हारी गोद में आ जाए, तुम्हें प्यार करे, तुम्हें लाड़ करे, वो अंदर का मातृत्व जागना शुरू हो जाता है, जो कहीं जिंदगी में था ही नहीं वो अचानक जाग उठा। फिर दिल करता है हाँ इसको प्यार करें, फिर इसके लिए सोचें, फिर इसका ख्याल करें, बन गए कुछ, ये धर्म स्वीकार हो गया। ऐसे लगा नहीं है, बाहर से देखने में भी आएगा नहीं है, पर फिर भी है। भरत के साथ यही तो दुर्घटना हो गई ना, बाहर से लग भी रहा नहीं है, फिर एक संत बन गया। संत फिर दया करे, संत है तो दया करे, पर भूल गया दया धर्म का मूल है नरक मूल अभिमान। फिर जो अभिमान बाहर से तो नहीं किया, अंदर का अभिमान तो नरक में डाल गया। ऐसा भी तुम देखेंगे कि बाहर से हम अहंकार नहीं करते, भरत ने भी नहीं किया, मैं पालता हूं इसको, मैं करता हूं, उसने कहां जाके मैं की, जंगल में था ही कौन जिसके आगे मैं करता। पर फिर भी बोला दया धर्म का मूल है, भाई संत है चलो दया की, उसने धर्म का मूल था। पर नरक मूल अभिमान जो सूक्ष्म मन में अपने अभिमान खड़ा हो गया, वो नरक का हेतु बन गया। नरक कौन सा? दो जन्म मिले, एक हिरनी का ही मिला, एक जड़ भरत का मिला, तो अपने लिए नरक पैदा हो गया। ये हो गया पर धर्म में जाना, जो धर्म था भी नहीं उस धर्म में चला गया, क्योंकि पहचाना नहीं सूक्ष्म मन को कि जो बच्चे से इच्छा पूरी होती वो हिरण के बच्चे से पूरी हो रही है, जो अपने बच्चे को लाड़ करके खुशी आती हिरण के बच्चे को प्यार करके खुशी आ रही है, उसकी सेवा करके उसकी संभाल करके खुशी आ रही है, भूल गया। ये अभिमान ने फंसा लिया बीच में, अब था तो नहीं धर्म लेकिन धर्म अख्तियार हो गया, धर्म है नहीं पर धर्म मान लिया, ऑटोमेटिकली मान लिया। हमको पता नहीं हमारा धर्म, बाहर के धर्म भी कैसे पक्के हुए, बचपन से हमको मंदिर ले जाते थे, अच्छा अच्छा हम हिंदू हैं, पाकिस्तान में लोग गुरुद्वारे जाते थे तो भी हिंदू कहते थे अपने को, लेकिन यहाँ आके फर्क हो गया, अब सिखों का गुरुद्वारा हो गया, हिंदू लोग भी जाते थे, सिंधी लोग भी गुरुद्वारे को मानते थे,
सिंध था ना उधर, तो गुरुद्वारे नहीं थे क्या उधर सिंध में? थे, हिंदू लोग भी मानते थे, लेकिन अब विभाजन हो गया। बचपन से जहां जाने लगे, हमने अपने आप ही स्वीकार कर लिया धर्म, हमसे पूछा थोड़ी गया, हमें कोई फैसला थोड़ी करने दिया गया, हम बस जिधर जा रहे थे हमने मान लिया उस धर्म को। हो सकता है तुम अडॉप्टेड चाइल्ड हो, मुसलमान के हो, क्रिश्चियन के हो, हिंदुओं के घर में पल गए, तुमने अडॉप्ट कर लिया धर्म, अब तुम उस धर्म के हो गए। तुम्हारी धर्म की कहानी तो शुरू से ही गलत है। अब देह में रह के देह का धर्म अख्तियार कर लिया, मैं देह हूं मान लिया, फिर देह के सारे धर्म मान लिए, इंद्रियों के धर्म मान लिए, फिर जो इनसे कनेक्ट होता है वो धर्म मान लेते हो, यूं ही धर्म के पिता बन जाते हो, धर्म के पति बन जाते हो, धर्म के भाई बहन बन जाते हो, धर्म के पिता बहुत, किसी का मर तो जाए बाप, 10 बाप खड़े हो जाते हैं, धर्म का पिता हूं मैं भी तेरा। अपने बच्चों से संतुष्ट नहीं, अपनी औलाद ने जीना आराम किया, अभी दूसरों के और बनने चल दिए। इंसान को बनने की बीमारी है, कुछ ना कुछ बन जाता है, और शब्द तो समाज के लिए बोलता है पर अपने अंदर उन चीजों को फील करने लगता है, और फील करता है निभाता है, जब नहीं मिलता तो कष्ट उतना ही होता है जो अपनी औलाद से मिलता था। अभी समझो तुम कोई हमको धर्म का भाई बना ले, एक एग्जाम्पल देते हैं, अब जरूरत है किसी को, काम है किसी को, नहीं आप ही मेरे भाई हो, आप ही मेरा ये करोगे, आप ही मेरा वो करोगे, चलो जितना रोल था प्ले कर दिया, अगले को शांति हो जाए। अब अगले का तो काम निकल गया, वो खिसक लिया, मुड़ के देखा भी नहीं, फिर जहां उसको जरूरत नहीं वहां उसको याद भी नहीं भाई है मेरा वो, है ना। पर अगर हमने भाई का धर्म मान लिया और हम निभाते रहे, बड़े इन होके निभाया, अब हमें धक्का लगेगा, अब आज मैं इसका भाई नहीं था क्या, अब भाई धर्म कहाँ चला गया, अब इसको भाई याद नहीं आया क्या। मतलब एक बार अंदर वाला स्वीकार ले, जब गलती सामने वाले की नहीं है, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि की यही रीति, अगले की तो गलती नहीं है, वो तो स्वार्थी व्यक्ति है, जहां उसको स्वार्थ होता है तो वो आगे बढ़ के अपना स्वार्थ पूरा करा लेता है, उसके बाद चल मेरा भाई, फिर जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे, अगले की तो हालत यही होगी। लेकिन हमने अगर अंदर मान लिया तो वो धर्म अपने आप ही आ गया ना, अंदर सहज ही आ गया, अब ख्याल भी चलेगा, फिक्र भी होएगी, सोच भी चलेगी, नहीं मिलने पर दुख भी लगेगा कि जब चाहिए था तब तो मुझे बना लिया अपना, अब तो मेरे को अपना नहीं माना, आ गई बात। ये धर्म है जो हम ऐसे ही स्वीकार कर लेते हैं, ना हमको मिले, ना हमारे रिश्ते, ना हमारे नाते, ना कोई बात, पर हम फिर भी एक धर्म पाल के बैठ गए हैं अंदर। क्यों पाल के बैठे हैं? मैंने ही शुरू से गाइड किया, मैंने ही शुरू से समझाया, मैंने ही ऐसा किया। अब ज्ञानी ऐसे धर्म में फंसने लगे तो भाई लाखों हैं, पुराने लोगों की चिट्ठियां निकाल के पकड़ो तो तुम हैरान हो जाओगे, गुरु कितना सबको सपोर्ट करता है, प्यार करता है, अपना बनाता है, कितनी मेहनत करता है, लेकिन आज तो लोग उड़ गए, फिर तो परेशान हो जाए अंदर से कि माना ही नहीं ना धर्म अपने में, हमारा धर्म ही कोई नहीं है, प्रेम था प्रेम कर दिया, उस समय अगलों ने भी वैल्यू की, हमने भी किया होगा, इट्स ऑल राइट, जान छूटी। लेकिन संसार में तुम देखो कर्ता भाव रहता है तो इंसान फंसता चला जाता है, सबके साथ फंसता है, याद करता है मैंने अच्छाइयां की, मैंने भलाइयां की, मैंने इतना अच्छा किया, उसने मेरे साथ बुरा किया, इतना सारा दिमाग में प्रेशर ही क्यों डालते हो भाई, तुम्हें याद क्यों आता है कुछ भी करना, इस कर्ता भाव को निकालो, तुमने किया या भगवान ने तुम्हें सामर्थ्य दी थी तुमसे हो गया, समझो तुमने किसी की मदद की, किसी को प्यार किया, किसी के लिए कुछ किया, तुमसे हो गया या तुमने किया, तुम करने वाले नहीं थे, हिसाब था कोई भगवान ने करा दिया होगा, लेकिन अब तुम्हें उसका अजूरा चाहिए, अब उसकी वापसी चाहिए, अब अगर अगले ने मेरे से गलत किया तो अब मेरे को उसको दंडित करना है जाके, क्या चक्कर है ये मुफ्त के धर्म पाले हुए हैं ना, इनसे विक्षेपताएं हो रही हैं,
इंसान को विक्षेपता किसी के गलत कर्म से नहीं होती, विक्षेपता उसको अपने अहंकार से होती है, कर्ता भाव से होती है कि मैंने किसी से अच्छा किया, वो अच्छा मान के चले, मेरी कदर करे, मेरे लिए अच्छा बोले, सबको मेरी भलाई बताए, और अगर उसने बुराई बताई तो फिर मैं उसके पास जाके जरा उसकी तबीयत हरी करके आऊंगा। ये अहंकार तंग कर रहा है, मान रहे हो तुम भगवान ने करा दिया तुमसे, और जब ये मानोगे भगवान ने करा दिया तुमसे, तो अभी भी भगवान ने करा दिया उससे, और इस हरकत में भी कोई भलाई होगी, इस हरकत में भी भलाई होगी, भगवान ने ऐसे ही नहीं कराया उससे, कुछ तो सोच के कराया होगा, कोई तो रहस्य होगा बात के अंदर, तो उसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, उसमें भी कोई उलझन नहीं होनी चाहिए। उससे भी परमात्मा ने कराया, मेरे से भी परमात्मा ने कराया, पर तेरा मन क्या कहता है, मैंने अच्छाई की, मैंने उसका बच्चा पाला, मैंने उसको घुमाया, मैंने उसको रहाया, मैंने उस पे पैसा खर्च किया, मैंने उसको खिलाया पिलाया, मैंने उसको गिफ्ट्स दिए, मैं ये मैं ही तो तंग कर रही है। अच्छा, जब करते हो, सूक्ष्म में होता है कर्ता भाव, भोक्ता भाव भी सूक्ष्म में होता है, उस समय लगता है मुझे रिटर्न नहीं चाहिए, लेकिन रिटर्न फिर भी चाहिए। अब रिटर्न ऐसे नहीं तो ऐसे चाहिए, अगर तुम्हें रिटर्न नहीं चाहिए तो फिर चाहे अपोजिट भी मिले मन क्यों चलता है, रिजल्ट ही तो चाहिए अच्छा। तो जब अपोजिट मिलता है उस समय उलझ जाते हैं, उस समय कहते हैं मैंने कुछ लिया तो नहीं ना इससे, किया ही था तो ये क्या हुआ, रिजल्ट की एक्सपेक्टेंस हो गई, रिजल्ट चाहते हो, परिणाम चाहते हो, वापसी चाहते हो, और वापसी भी अच्छी चाहते हो, और अच्छी है वापसी, अच्छी है, इसके लिए तुम्हें भगवान पे छोड़ के देखना पड़ेगा, इसमें भी भलाई है। भाई किसी ने मेरी बुराई करी है किसी से, क्या पता भगवान मेरे को कहां से बचाना चाहता है, अगला मेरे को बुरा जान के मेरे से ना रिश्ता रखे, छोड़ जाए, इसका मतलब कोई भलाई है ना उसमें, भगवान क्या पता कहां से रक्षा कर रहा है, मिला क्यों, बोला क्यों, तेरा चर्चा क्यों हुई, तेरी निंदा क्यों हुई, कुछ तो चक्कर होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा, तुम भगवान का कारण नहीं समझते हो, उछलते हो बस सारा दिन, बैठ जाओ आराम से, अगर कुछ हरकत हो रही है तो बरकत भी होगी, पर ये जो मान लिया ना अंदर कर्ता भाव, ये जो बन गए कुछ, अब अगले को भी बनाना चाहते हो, प्रॉब्लम तो यहां से आ रही है, रिलैक्स क्यों नहीं हो माइंड से, और किस किस का मुंह बंद करोगे। अच्छा एक की पता चल गई, किसी ने तेरी निंदा कर दी, चार और भी तो कर रहे होंगे, पता नहीं है ना, और मान लो पता लग भी जाए, किस किस के घर लड़ने जाओगे, किस किस का मुंह बंद करोगे। स्वामी राम तीरथ को बोलते हैं तुम्हारा लिए कोई बुराई कर रहा है, बोला ठीक है, बोला आप कुछ कहिए, बोला जितनी देर इन लोगों से मत्था लगाऊं, पहले बोलने वाले को चुप कराऊं, फिर सुनने वालों को समझाऊं, मैं उतनी देर आत्म सुधार में लगा देता हूं, एफर्ट सारे, बोलने वालों का मुंह बंद हो जाएगा, सुनने वालों के कान बंद हो जाएंगे। संत का नजरिया ये होता है, संतों का नजरिया कैच करो, उस पे चलो, फालतू की चीजों को मत अडॉप्ट करते जाओ, ये अच्छी चीज नहीं होती है। हर चीज के लिए हम जाके तुरंत फुरंत फैसले, झगड़े, शोर ये सब कर दें, लेट इट बी, सो कोई बात नहीं। आज तुम क्या सोचते हो, हम सबकी नजर में अच्छे हैं? अगर इतने लोग तुम रोज सोचते हो, इतना हाल भर जाता है, लोग पूजते हैं, तो इनसे दुगने निंदा भी तो करते होंगे, इनके घर वाले ही करते होंगे, जो रोज निकल के आते हैं घरों से, क्या इनके घर के लोग कुछ नहीं बोलते होंगे। तो हमको समझाने जाने की लेकिन जरूरत क्या है, हमको जरूरत है क्या समझाने की किसी को। माई पास्ट इज वर्शिप्ड, माई प्रेजेंट इज इग्नोर्ड,
एंड फ्यूचर इज एंटिसिपेटेड विद ग्रेट एंथुजियाज्म। ये तो अवतारों के साथ भी बात है, सम रिसीव मी सम रिजेक्ट मी। तुम है कौन जो सारी दुनिया तुम्हें रिसीव करे, सारी दुनिया तुम्हारे लिए अच्छा बोले, और थोड़ा सा अंतर्मुख होके देखो, अभी तो शब्दों से उबाल आ गया, गहराई से सोचो क्या अगला गलत बोल रहा है, दोष थे नहीं जीवन में वो वाले, गलत बोला क्या, गलत तो नहीं बोला, दोष तो थे कि नहीं थे, सोच के देखो। अब उन दोषों को संवारने में लगना चाहिए कि अगला कहे कल तक ही ऐसा था, अरे आज तो चेंज हो गया, आज ये वैसा नहीं है, लेकिन तुम मोहर लगाने जा रहे हो। फिर अगला कहे ये तो पहले ही झगड़ालू था, पहले ही ऐसा था, देख लिया आज भी कोई फर्क नहीं, स्टैंप लगाने जा रहे हो ना। पर अगला ये कहे भाई, उसको पता लगने के बाद भी वो शांत है, कोई चक्कर है, बदल गया है, ये चेंज तो ये होना चाहिए, तुम्हारे अंदर चेंज कौन सा। समर्थ होते हुए एक व्यक्ति शांत रह पाए तब माना जाता है कि ज्ञान है, समर्थ्य इसको कहते हैं। बदला लेने की सामर्थ्य है लेकिन हम माफी दे के बैठे, गाली देने की सामर्थ्य है लेकिन हम प्यार करते हैं, इसको कहते हैं ज्ञान। सारे धर्म देह के निभा सकते हैं लेकिन वैराग लेके बैठे हैं, इसको बोलते हैं ज्ञान। क्या ज्ञानी नहीं निभा सकता, पुत्र धर्म नहीं निभा सकता, पितृ धर्म, कौन सा धर्म है जो ज्ञानी नहीं निभा सकता, सबके जीवन में रोल प्ले करता है, अपने वालों के नहीं कर सकता क्या। समर्थ होते हुए भी अपने आप को कुछ करके नहीं जानता है, इसको ज्ञान कहते हैं। आपस को कर कछ ना जनावे, सो पंडित फिर जोड़ ना पावे, आपस को जो आखे नीचा, सोई गणिए सबते ऊंचा। बात तो ये समझो शास्त्रों की, आपस को कर कछ ना जनावे, मैं कुछ हूं ही नहीं, हम तुम्हें मारने में लगे हैं, तुम फिर जिंदा हो जाते हो, फिर कफन से बाहर निकल के बोलते हो देखो यहीं पड़ा रहे कफन, अभी आके इसके अंदर सो जाएंगे, फिर एक बार जरा बता के आए उसको, एक बार जरा झगड़ा करके आए, एक बार जरा उसके बात करके आए। मुर्दा किससे बात करने जाएगा, मुर्दा किससे भिड़ेगा, गुरु के पास। बोला बाय डेथ फ्रॉम योर गुरु, तुम्हें अभी तक कोई पक्का गुरु मिला नहीं, असल में तुम गए कच्चों के पास जिन्होंने तुम्हें मौत के घाट नहीं उतारा। अब तुम जहां आके फंसे हो ना, यहां तुम्हें मौत के घाट उतारा जाएगा, तुम्हें मिले कच्चे गुरु झूठे जिन्होंने तुम्हें मरना ही नहीं सिखाया, सबने तुम्हें जी अजूरी करी, तुम्हारी हांजी बहन जी, हांजी माता जी, और दादा ने बोला इधर लाओ माता जी की गर्दन पहले उतारूंगा मैं। इधर ज्ञान मौत से शुरू होता है, मरने का ज्ञान है। जब तुम मर गया तो कहां जाता है, मरा हुआ क्या करेगा, विचार दो अपने को। संत के पास शिष्य गया था ज्ञान लेने, ज्ञान दीजिए गुरुजी। बोला बेटा पहले एक काम करा फिर ज्ञान सुनाएंगे, बता दीजिए सेवा जो भी है। एक मुर्दा है उधर, हार चढ़ाया, फूल चढ़ाया, बहुत प्रशंसा करा, अगरबत्ती धूप जलाया, चला गया बेचारा, कराया, कल आना फिर ज्ञान देंगे। अगले दिन आया, गुरुजी ज्ञान दीजिए। बोला एक काम आज और करा, कल जिस मुर्दे को हार फूल चढ़ाए थे सब किया था, उधर जा उसको थूक, पत्थर मार, गालियां दे, लाते मार, फिर कल आइयो ज्ञान दूंगा। सब कर आया, तीसरे दिन आया, गुरुजी ज्ञान दीजिए। हाँ बेटा ज्ञान शुरू करते हैं। बता मुर्दे की क्या प्रतिक्रिया थी परसों और कल। बोला मुर्दा क्या प्रतिक्रिया करता गुरुजी, वो तो ज्यों का त्यों पड़ा था, चाहे तारीफ की, चाहे गाली दी, चाहे आरती उतारी, चाहे लात लगाई, मुर्दे ने क्या करना था। बोला बस यहां से ज्ञान शुरू होता है, पहला सबक यही है, मुर्दा हो जाओ, मुर्देवत हो जाओ, ये अंदर मन में उबाल नहीं आने चाहिए,
अंदर मन में शोर नहीं पैदा होना चाहिए। ये तुम देह के धर्म में चले जाते हो ना, फिर बन जाते हो कुछ। बन जाना ही देह के धर्म में जाना हो गया ना। क्यों अहंकार करते हो, क्यों मैं करते हो, हरकत में बरकत क्यों नहीं समझ आती तुम्हें? मान लो तुम कहीं रिश्ता करने ही गए, किसी ने तुम्हारी बुराई कर दी उन लोगों से, थोड़े दिन बाद देखना अगर नहीं हुआ ना, तुम खुद ही सोचो, तुम्हें पता चलेगा भलाई थी, कुछ गड़बड़ थी, भगवान ने सही किया, रोक लिया मुझे, भगवान ने सही खबर पहुंचा दी उनके घर, देखना। और अगर हुक्म बना पड़ा, किसी के शब्द का प्रभाव नहीं होगा, क्या तुम मूर्खों के घर रिश्ता करने जा रहे हो जो लोगों की सुनी सुनाई बातों से रिश्ता नहीं करेंगे? तो ऐसों से तो रिश्ता जोड़ना भी नहीं चाहिए जो इतने कान के कच्चे हो। कल हमारा बच्चा कैसे बसेगा कान के कच्चों के घर में? बैठो आराम से, तेरा कम करे करतार। अगर भगवान को करना है तो कुछ भी होने पर भी करेगा, नहीं करना है तो तुम्हें बचाएगा, तुम उसकी शरण हो। बैठो ना आराम से, कहीं भी कोई हरकत कारण नहीं हो रही है। इस पूरी सृष्टि में कोई हरकत कारण नहीं है, हरकत में बरकत है। गॉड हैज ए प्लान फॉर यू, हु कैन बी अगेंस्ट यू। प्लान बना हुआ, पर ये तुम कर्म और धर्म दोनों ही नहीं छोड़ना चाहते। मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं आखिर तो माँ हूं, मैं तो तेरे से भी बड़ी एक माँ है, चिंता मत कर, तेरे से भी बड़ा एक बाप बैठा है, सबका बाप है, जिसने सबकी रची हुई है सृष्टि। तू तो अभी बनाने की सोच रहे हो ना, मैं जाता हूं, रिश्ता देखता हूं, लड़की का करता हूं, लड़के का करता हूं, उधर तो हुक्म कब का बना पड़ा है? तेरे सोचने की जरूरत है क्या? हर एक ईश्वर अंश है, उसकी अपनी लीला है। तुम बैठो आराम से, तुम्हारे ये घोड़े दौड़ते दिमाग के ही तो शांति नहीं है तुम्हारे अंदर। हर चीज पे रिएक्शन, हर चीज पे रिएक्शन, रिएक्शन क्यों? बी रिएक्शनलेस, रिएक्ट नहीं करना है। मन में उबाल भी उठता है, मन को प्रबोध देना है, रिएक्शन क्यों करने हैं मुझे? रिएक्ट होने का क्या मतलब है किसी भी चीज से? मिनट नहीं लगता तुम लोग रिएक्ट होते हो, शब्द की तार पे नाचते हो। एक शब्द पता चल जाए तेरे लिए अच्छा बोला है, खुश। एक पता चल जाए बुरा बोला है, नाराज। सामने कोई तारीफ कर दे, उछल गए, बेइज्जती कर दे, गिर गए। तुम शब्द की तार पे नाचते क्यों? अशब्दी ब्रह्मपद है तुम्हारा, और सारा दिन तुम शब्द की तार पे नाच रहे हो। शब्द तुम्हें उलझाते ही रहते हैं सबके। क्यों नाचते हो शब्द की तार पे भाई? अशब्दी ब्रह्मपद पूरण में तनमन लीन कंदासी, असी आवाज दुनिया जा सब विसारे छडींदासी। सब आवाजें विसारो दुनिया की, सब शब्द की तार पे नाच रहे हैं। इंसान को नचाना हो बिना घुंघरू बिना म्यूजिक, शब्द पे नचा दो। मिनट से पहले नाच खड़ा होगा, ना सोचेगा ना समझेगा, बस उछलना शुरू कर देगा। समझेगा ही नहीं बात को पूरी, उससे पहले रिएक्ट कर देगा। और ये भी नहीं पता जो बात तुम्हारे कानों तक पहुंची ऐसे ही थी, बीच वाला भी तो मसाला लगा सकता है, किसी के समझने में भी तो फेर हो सकता है। जरूरी तो नहीं कि बात निंदा की ही की गई हो, शायद प्रशंसा के रूप में भी बोला गया हो। अभी एक व्यक्ति उदार दिल होता है, कोई बात होती है तो हम कहते हैं अरे उसको तो हम जानते हैं, बड़े खुले स्वभाव का था, उसने कभी परवाही नहीं की किसी चीज की, निंदा तो नहीं हुई, ये तो प्रशंसा हो गई। तुमने उसको प्रशंसा माना निंदा माना तुम्हें पता? जरूरी भी नहीं तुम्हें बताने वाले ने जो समझा बात वही हो। गेम खेलते हैं एक फॉरेन में, अब तो इंडिया में भी आ गई है, ऐसे सर्कल में बैठ जाते हैं, एक व्यक्ति कान में कुछ कहता है,
बस वही सेंटेंस पास करना होता है। लास्ट व्यक्ति जब वो सेंटेंस बोलता है बदल चुका होता है, एक मुंह से दूसरे मुंह में आते बात बदल जाती है। एक ने कहा कुछ, दूसरे ने सुना कुछ, तीसरे को बताया कुछ, एक बेइज्जती और कराओगे अपनी फालतू के झगड़े में। पता भी नहीं बात वैसी थी कि नहीं थी, लेकिन तुमने पकड़ ली क्योंकि तुम बन गए वो, मैं हूं फलाना, मेरे लिए कहा गया। ऐसे ही उलझते हो सब दुनिया में। गांव में तार आई किसी के घर में, पढ़नी आती नहीं थी, अनपढ़ लोग, डाकिया चला गया बिना पढ़े। गांव की कोई स्त्री थी, उसको थोड़ा बहुत पढ़ना आता था, उसको बुलाया, पढ़ा उसने, लाला जी आज मर गए, बड़ी बहू भेज दो। रोना पीटना हो गया लाला जी के घर में, मुर्दा ढूंढ रहे हैं लाला जी का, तार कहां से आई है। एक पढ़ा लिखा स्कूल टीचर आया, बोला एक बार दिखाओ तो सही तार। बोला लाला जी अजमेर गए और बड़ी बही भेज दो। बस एक दो मात्राओं का फेर हो गया, कहानी क्या बन गई, अजमेर गया बंदा अजमर गया। मांगी बही, बोला बड़ी बहू भेज दो। बोला पता नहीं बड़ी बहू को अर्थी लेने बुलाया है, क्यों बुलाया है। ये है दुनिया, एक एक मात्रा की हेरा फेरी होती जाती है, कहानियां बदलती जाती। सिर्फ एक मात्रा की हेरा फेरी, किसी का नाम कुंती है, तुम बिंदी लगानी भूल जाओ, लड़ाई हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी। अगला तो सोचेगा गाली दे रहे हो। फिर इतना शब्द की तार पे क्यों नाचना है भाई, क्यों इतना देह के धर्म में जाना है। ऐसे फंस गया भरत बेचारा, ऐसे सारा दिन तुम फंसते, ना तू स्त्री, ना तेरा जन्म हुआ, ना तेरा बच्चा, ना तेरा परिवार, कुछ है ही नहीं तेरा। और तुम इतने सारे धर्म मान के अपना इतना बड़ा संसार बसाए बैठे हो, हैरानी वाली बात है कि नहीं। तू कौन है, तेरा सत्चित आनंद रूप, तू शुद्ध स्वरूप आत्मा, तेरा ग्रस्त है, पहले तो तू है, तू मां है, तेरा बच्चा है, तेरा गृहस्थ है, तुझे कुछ करना है। ऐसे ही भरत की तरह खाम खापर आई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तेरा तो कोई धर्म ही नहीं, कुछ करना ही नहीं है, तुम जबरदस्ती बन बन के बैठे हो बीच में। आई एम समथिंग, मुझे ये करना है, मैं ये करता हूं, मैं ना करूं तो कौन करे। ये सब तुम्हारा अहंकार तुम्हें फंसाए बैठा है। इसी को भगवान ने बोला, ये कर्म धर्म छोड़ के मेरी शरण आ जाओ। अब तुम शरण भी आ गए हो, कर्म धर्म फिर नहीं छोड़ रहे। तभी भगवान ने अर्जुन को कहा पहले कर्म धर्म छोड़ के मेरे आत्मा की शरण, मेरा सिर खा जाएगा नहीं तो आके फिर वही कहानियां करेगा। तुमको ये श्लोक समझ नहीं आया क्या, सब कर्म धर्म छोड़ के मुझ आत्मा की शरण लियो। सबसे पहले देह का धर्म छोड़ो, मैं पैदा हुआ हूं यहीं से मुकरना शुरू करो, मैं अजन्मा आत्मा हूं, शरीर पैदा हुआ है शरीर मरेगा, ना मैं जन्मा हूं ना मैं मरता हूं, ना मेरी शादी हुई ना मेरे बाल बच्चे हुए, सब सपने की माया। सुपना तू सुल्तान है उत्तम तेरी जात, सौ जन्मा दे बिछड़े आन मिला एक रात। जिस दिन आन मिले भगवान उस दिन तो जाग जाओ, उस दिन तो होश करो, क्यों बेहोशियों में जी रहे हो, मूल ज्ञान को समझो थोड़ा सा। ये सारे तुम्हारे अंदर के रजोगुण जो है ना शांत हो जाएंगे। ये गुण नहीं होता कोई, मैं हर शब्द पे बस उठ जाता हूं, बस मैं
झांसी की रानी बन जाऊं, बस मैं तलवार लेके निकल जाऊं, ये धर्म नहीं है। सत्चित आनंद रूप है तेरा, एक बार विचार तो कर तेरा स्वरूप कैसा है। सत चित आनंद, तू आनंद स्वरूप भगवान है, ऐसा अपना स्वरूप प्रकट करो, तेरा दर्शन देख के शीतलता मिले सबको, जो तुझे देखे शीतल हो जाए, आनंद से भर जाए। और तुम सारा दिन भाला लेके तलवार लेके निकले ही रहते हैं, मैं किसी से डरता नहीं, मैं किसी से कम नहीं। ज्ञानी कोई डरपोक थोड़े ही है, लेकिन देख के अपना आप हो जाता दिलदार है, डरपोक थोड़े ही है, लेकिन एक अपना भी तो स्वरूप है, प्रेम वाला, नम्रता वाला, झुकने वाला। अपने उस स्वरूप की पहचान करो, अपने उस स्वरूप की तरफ चलो, अपने आनंद में आ जाओ। तो ये पहले बात समझना, सब कर्म धर्म छोड़ के मेरी शरणा, लेके मत आ, छोड़ के आ, ठीक है। हाँ, आज जूम में चीनू भगवान नजर आ रहे हैं आज तो। चीनू अनम्यूट करो। हरिओम भैया जी। हरिओम, ठीक हो भगवान? मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हैं? गड़बड़ हो गई है तो जो ठीक है वो मेरे को याद ही नहीं करता हैं? इतना नहीं, ठीक होने की क्या जरूरत है कि याद ही ना करे अपनी फैमिली को? नहीं भैया, नहीं, याद आती है आपकी, बस ऐसे ही थोड़ा सा फालतू, ऐसे ही ऑफिस में, कभी घर में बिजी। इतना क्यों बिजी कर लिया तूने अपने को? जॉब चेंज कर ले, कोई हाफ डे वाली कर ले, हम लोग तेरी आवाज सुनने से ही गए हैं, शक्ल देखने से ही गए हैं, ये कोई बात है? ऐसी जॉब क्या करना है जो भगवान से दूर कर दे? कोई थोड़ी वाली जॉब कर ले, थोड़ा खा ले, जी। कोई हाफ डे देख ले, कोई स्कूल की जॉब देख ले। ये जो इतनी भगवान ने मेहर करके, कृपा करके लिंक लगाई है, लॉ लगाई है, इसको सिरे तो चढ़ाना है। अपने किए इकरार हमें करने हैं पूरे, ऐसा ना हो राह में हम रह जाएं अधूरे। अधूरे नहीं रहना है, इस राह में अपने को पूर्णता की तरफ लेके चलना है। ये सब तो संसार में चलता रहेगा, परिस्थितियों की तो बुढ़ापे तक कमी नहीं आएगी, लेकिन एक एक दिन करके मेरा तो बीतता जा रहा है ना, एक एक दिन करके मेरा तो समय जाता जा रहा है। अब इसी में से जैसे हर चीज के लिए मेहनत करके समय निकाल लेते हो, सत्संग के लिए भी वक्त निकालो, जरूर कोशिश करो, कैसे ना कैसे मेरे लिए पास अपने लिए भी समय होना चाहिए। क्योंकि एक समय ऐसा आएगा ये तुम्हें थका देगा, नहीं तो अभी तो ठीक है, जवानी का जोश भी है, उमंग भी होता है अंदर, इंसान दौड़ लेता है सब तरफ, पर एक समय फ्रस्ट्रेशन आने लगेंगी, थकान होने लगेगी, उलझन होने लगेगी, मन परेशान होगा, मैं ही फंसता हूँ, मैं कब तक करूँ, मैं ही क्यों करूँ, बहुत सी बातें फिर डिप्रेस करने लगेंगी, पर एक लिंक बना रहेगा तो उत्साहित रहोगी। कर्मों के हिसाब तो पूरे होने, शरीर ने जो सेवा किसी की देनी है सो तो देनी है, लेकिन मेरे अंदर डलनेस तो नहीं आनी चाहिए ना, और मेरा सिमरन तो नहीं छूटना चाहिए ना। तुम ही भजन गाती हो, सच्चे पातशाह मेरी बख्शो खता, मैं नहीं माना, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना, पर ये खता आप खुद कर रही हो कि लिंक कम कर रही हो, ये खता मत करो, ये खता सबसे गलत है। बाकी खताएं भगवान माफ कर सकता है, लेकिन इस खता का क्या होगा? तुम्हारी बात जरूर टाइम टू टाइम होनी चाहिए, तुम्हारा चिट्ठी, तुम्हारा मैसेज आना चाहिए। गुरुजी हमको बोलते थे भगवान को अपनी याद दिला के रखो, उनको तो बहुत सारे भगत हैं भूल जाते हैं, तो अपनी याद खुद दिला के रखो। तो हम क्या करते थे, कभी कभी रोज चिट्ठियां लिख देते थे, कभी एक दिन छोड़ के लिख देते थे, फोन कर देते थे कि
कि हम याद तो रहें कम से कम, ऐसा ना हो भूल के आगे निकल जाएं, फिर हमारा क्या होगा। एक बड़ी प्यारी युक्ति थी, बड़ी प्यारी रमस थी। हमेशा उन्होंने बोला गुरु को अपनी याद दिला के रखो, तो तुम भी याद रखो कि मुझे अपनी याद जी दिला के रखनी है, भूल मत जाना। एक बच्चा इधर भी बैठा है, अगर मैं असमर्थ हूं तो फिर आपको आना पड़ेगा चल के, लेकिन मुझे तो दर्शन चाहिए, मुझे तो मिलना है। अपना शौक, अपना प्यार, अपना भाव हमेशा प्रकट करते रहो, हेजिटेशन की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी हो जाता है नहीं आ पा रहे, नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन मेरे संदेशे तो पहुंच सकते हैं, है कि नहीं है। वो जी भीतर में भी गाता है, संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं। तो तुम संदेशा भेज के भगवान के अंदर घंटी बजा दो, भगवान तुम्हें भी तो लगन होनी चाहिए, मेरा रास्ता बनाओ मुझे मिलने, मैं मिलना चाहता हूं तो आपको भी तो लगन हो मेरे से मिलने की, क्योंकि आपका संकल्प उठेगा तभी तो मैं पहुंचूंगा। इसलिए भगवान को घंटी बजाते रहो। भैया, हाँ आई प्रॉमिस मैं लिंक बना के रखूंगी अब। हाँ देखा है तुमने, तुम्हारे घर की घंटी कोई बार बार बजाए तुम्हें क्रोध आता है, मंदिर की घंटी लगातार घंटों के हिसाब से बजती है, भगवान को गुस्सा नहीं आता। उनको पता है भक्त मेरे अंदर घंटी बजाएंगे मेरे को, तभी तो भाव पूरे करने हैं। तो भगवान की घंटी बजाने में कभी मत झिझको, बजाते रहो। भगवान कभी तंग नहीं होगा, कभी विक्षिप्त नहीं होगा, वो खुश ही होगा कि मुझे याद किया है किसी ने, इसका प्रेम बना हुआ है मेरे से। क्योंकि प्रेम तो अंदर वही का वही है, देखो प्रेम तो घटेगा नहीं, प्रेम तो कम होगा नहीं। भगवान ने एक बार दोस्ती कर ली, हाथ पकड़ लिया, छोड़ेगा तो है नहीं, निभानी तो तुम्हें है भगवान से, ईमानदारी से निभा लो ठीक है, नहीं तो भगवान को रास्ते बहुत आते अपनी याद दिलाने के। क्या कहती है चीनू? मेरे भैया, मैं तो हर वक्त आपकी याद में हूँ, आपके विचारों से, अंदर भी आपके गुबार भरा हुआ था ना, सत्संग निकल गया। से। शक्ति जो है अंदर ना, वो आपने ही भरी है, कि किसी भी स्थिति में अगर आज खड़े हैं ना, तो आपके दिए हुए विचारों से है वो। सच है, नो डाउट, ये तो सच है। आखा ता जीवा विसरे मर जावा, ये तो भगवान की याद में ही आबाद बैठे हैं, नहीं तो पता नहीं क्या हालत हो जाती थी। परिस्थितियों का अभाव तो है नहीं संसार में, जी लेकिन भगवान की शक्ति से चलते रहते हैं। तभी तो मैं कह रहा हूं शक्ति और कठिन बनती है, और मजबूत बनो और अपनी लिंक जोड़ के रखो। भैया, और मनप्रीत बिल्कुल। ठीक है? मनमीत ठीक है भैया, अभी थोड़ा सा बीच में थी तबीयत ऐसे, बट अभी बेटर है। हाँ बेटर है, जी, तू मम्मी की सबकी भी सेवा थोड़ी करती ऐसे रहती है, बिगड़ कुछ गई थी तबीयत, है मम्मी की भी थोड़ी सी ऐसे तबीयत, थोड़ा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, तो हम लोग लखनऊ आए थे, यहीं पे है अभी। अच्छा, वर्क फ्रॉम होम उनका भी कर रही हो? अभी, हाँ जी, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो अच्छा, अभी वो भी डे बाय डे थोड़ा इम्प्रूवमेंट है उनको भी, वो भी बेटर है। हाँ चल सबको इम्प्रूव करके फिर एक चक्कर लगा जा, जी भैया, जल्दी, वेट करेंगे तेरी। बिल्कुल भैया, थैंक यू ओके सो फिर, मच। अभी बंद तो नहीं करेगी, तेरे से भजन सुनेंगे लास्ट में। नहीं भैया, मैं हूँ। हाँ हाँ ज्वाइन रखियो, भजन सुनते हैं बाद, जी, हाँ मैं दो चार लोगों से जी बात कर भैया, लूँ। हाँ ठीक, ओके बेटे, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू भैया, हरिओम। हरि ओम हरि ओम। सरोज जी हैदराबाद, सरोज जी अनम्यूट करें। लियो हाथ उठा के बैठी थी, अनम्यूट करना नहीं आ रहा क्या? हो गया, हरिओम हो गया, चलिए भैया जी। बात करिए। हाँ, हरिओम भैया जी, हरि ओम हरि ओम, हैप्पी होली। हैप्पी होली हैप्पी होली होली। पर आपकी बहुत याद आ रही है। चलिए आओ फिर, अभी ठीक नहीं हो क्या? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, मेरी तो हालत और बिगड़ती ही जा रही है, फिर ओहो, फिर एक बार कैसे एम्बुलेंस ठीक करके ही होगा। चक्कर मार जाओ। अभी कमर का ऑपरेशन बोल रखा है डॉक्टर, अब करवाना है कि नहीं करवाए, अच्छा सर्जरी बोल दी है? घुटने और पैर तो खराब हो ही रहे हैं, कमर भी हो रही है, कमर का ऑपरेशन बोल दिया है, अब वो ठीक हुआ नहीं, इसको कैसे करवाएं, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं करवाएं कि नहीं। वो तो एक दो डॉक्टर से राय ले लो ना, अगर सब डॉक्टर्स कहते हैं कि दिक्कत नहीं है तो करा लीजिए, इतने समय से हाँ, तो तो जितनों को बार। दिखाते हैं वो तो बोलते ही है कि करवा लो,
ठीक नहीं हुआ तो इस बार तो बेड में जाना भी। तो अभी चल पा रही हो? हाँ थोड़ा चल पा रहे हैं। फिर किसी उसको देख लो, आयुर्वेदिक वाले को, नेचुरोपैथी वाले को, शायद थोड़ा सा इतना कर दें कि आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। सर्जरी सच में रिस्की तो रहती है, कोई एक रिस्क आधी तो है, ये पहले अस्पताल वाली ठीक हिल नहीं गई हुई, तो। अब ये ठीक होगी नहीं होगी इसका तो कोई गारंटी नहीं है। स्टिक लेके चलती हूँ थोड़ा बाहर भी चल। अच्छा हाँ, थोड़ा देख लो आयुर्वेदिक वगैरह देख लो, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा उससे। इसीलिए घर में कोई राय नहीं दे रहा कि तुम ऑपरेशन करवा लो, अच्छा। पैरों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। हाँ सत्संग सुनती हैं रोज? वो तो रोज सुनते हैं, बस सत्संग सुन सत्संग रहे। के सहारे जीवन चल रही है, यही सबसे हाँ अच्छी हाँ उसी बात। के सारे ही बस चल रहे हैं। आपने शक्ति दे रखी है और ऐसे ठीक कुछ भी नहीं है, संभाल तो आपने ही रखा है। चलो, जो कर्मों के हिसाब किताब हैं भाई, पूरे तो होने हैं, इनको होने दो पूरा। आप अपने इसी निश्चय में रहो, आप अपने आनंद में रहो। इतना पता है कि जो सबने मेहनत की है सत्संग के लिए, वो खराब तो जाएगी नहीं। भगवान अंदर निश्चय के रूप में, धीरज के रूप में बैठाई है, और अंदर धीरे धीरे और पकाई होती जा रही है ज्ञान की, इसमें भी कोई शक नहीं है। अपने निश्चय में रहो, शरीर का जैसा भी हिसाब है इसको भी स्वीकारना ही है। तो जितने भी सांस है ना ऐसे भी निकल जाए ना, जो अभी शरीर की हालत है ऐसे भी निकल जाएंगे तो जिंदगी गुजर जाएगी सही बात है। और ज्यादा ना बढ़े, नहीं तो फिर नहीं उठ पाएंगे। कितनी तो चलिए, अभी शक्ति तक दे दी इतने गई सालों से भगवान ने बचाया ही हुआ है ना, चल ही रहे हो, तो अब आगे भी आप ही बचा लो, बस इतना भी बस चलता रहे तो काम निकल जाएगा। चल ही रहे हैं। शुक्र है, शुक्र शुक्र करके समय हाँ क्रॉस शुक्राने तो करते हैं। मनाते हैं। हाँ हाँ चलिए, ठीक है सरोज जी। हरिओम ठीक है, हरिओम, हरिओम हरिओम। शुक्राने भैया। तृप्ति बेंगलोर, हरिओम भैया जी, हरिओम। भैया जी बहुत ज्यादा मिस कर रही थी आपको, हम खुद पता। तुम्हें मिस कर रहे हैं, सारे आए हुए हैं, नेहा और तू दोनों, सबको रोज याद कर रहे हैं। मंजू को भी बहुत याद किया हम लोगों ने। बता रही थी मम्मी की भैया जी बहुत याद कर रहे हैं हमको भी। भैया आप इतना याद करते ना भैया जी तो हम इतना याद कर पा रहे, नहीं तो आप बोल रहे थे कि अभी हम भगवान भूल जाते हैं। भगवान तो कभी नहीं भूलता, बल्कि हम भूल जाते हैं। ओहो, आप तो हाँ सही बात पकड़ ली तूने। नहीं भैया जी, जैसे आप अभी बताए थे कि हम शब्दों की ताल पे नाचते हैं, वाकई में पहले तो हम शब्दों की ताल पे ही तो नाचते थे। कोई कुछ बोल दिया तो हर चीज को गलत वे में ले जाते थे कि नहीं वो मेरे लिए ऐसे बोल रहा है, लेकिन जैसे आप बताते हैं सच में भैया जी, कान श्रवण शक्ति जो है ना खुली है। पहले तो बस दूसरों की बातों में बहुत आ जाते थे, और पहले तो मेरा सही बताऊं भैया जी बहुत टिट फॉर टैट करने का मन करता था। वो तो कुसुम आंटी ने इतना समझाया करके तो वो चीज तो खत्म हो गई है, तो धीरे धीरे काफी कमियां जो है अब निकल निकल के बाहर आ रही हैं। बहुत कमियां थी भैया, कमियां हैं, थी नहीं अभी भी हैं, जो धीरे धीरे लगता है कि नहीं भगवान इतना हमें सुधारना चाहते हैं, हमारे ऊपर इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमें भी तो भगवान के पसंद का बनना है ना। बनते ही जा रहे हो रोज रोज, है ना। दुनिया में बनना होता है, यहाँ मिटना होता है। दुनिया में जो बनता है वो और खराब हो जाता है, यहाँ पे जो मिटता है वो और चढ़ जाता है। बस रोज रोज अपने अहंकार को गवाते जाओ, अपनी मैं को मिटाते जाओ। जब वो पुलिस वाले ने कब्र में मारा ना तलवार, चोर भाग रहा था, छिप गया कब्र में। अब पुलिस वाले को लगा मैं खोदूं कब्र, कहीं मुर्दा ना हो, उसने तलवार लगाई। तलवार लगाई तो तलवार में खून आ गया, समझ गया चोर यहीं छिपा है। निकाला बाहर उसको, बोला चोर जब मैं तलवार मार रहा था तूने शोर क्यों नहीं किया? बोला जब मैंने शरण ही कब्र की ली थी तो आऊं तो नहीं कर सकता था ना। तो हम सब ने भी शरण किसकी ली है? गुरु का घर मसाना है, कब्रिस्तान। तो कब्र की शरण लेके बैठे हो तो आऊं नहीं कर सकते हो, शोर नहीं कर सकते हो। बदले की भावना, क्रोध की भावना, ये सब नहीं होना चाहिए। अंदर से ही निश्चय में रहो, मजबूत बनो, धीरे धीरे ये मैं गुम करते आओ, ज्ञान के फायदे अपने आप प्रकट हो जाएंगे। और नेहा ठीक है? म्यूट हो गया बेटे तुम्हारा?
हाँ ये भैया जी ठीक है एकदम, नेहा बहुत बढ़िया। हम सब, हम वही बोले थे नेहा को कि साथ में जाएंगे गुरु पूर्णिमा पर, प्रोग्राम बनाते हाँ तो हैं। तुम वो आ जाओ, यंग लोग, रितु जी तुम्हारी कह रही हैं कि हम कब्जा करने आए हैं दिल्ली पे, इस बार हम सारे बेंगलोर वाले इकट्ठे हो गए, हम कब्जा करने आए हैं, तो यंगस्टर्स के बिना कब्जा कैसे करेंगी, नहीं तुम लोग भैया जी आ जाओ। पक्का साथ में आएंगे भैया जी, सच में आपने अपनी आज भी चिंतन किसी में का लग। मैसेज आया है शायद, कमलेश है कौन है आज, वो भी फिर आ रही है बेंगलोर से, कोई और भी आ हाँ रही हाँ है। हाँ हाँ कमलेश आंटी आ रही है भैया हाँ रोज पहुंचते जाएंगे, जयलक्ष्मी को भी आना है शायद, जी, सारे पहुंच गए बेंगलोर से, 3 जने रह गए अब। मंजू जल्दी आ जाओ तुम, ऋतु जी का मकसद नहीं पूरा कर दो, जी, क्योंकि हम भगवान जी, दिल्ली पे कब्जा करने आए हैं, सारे बेंगलोर वाले आ गए हैं इस बार। नहीं भगवान जी पक्का आएंगे पक्का। अभी गुरु पूर्णिमा पे सोचे कि साथ में आ जाएं, गुरु पूर्णिमा पे आपके पास मन तो बहुत है। गुरु पूर्णिमा तो बहुत दूर है अभी, एक ठीक शॉर्ट ट्रिप लगा जा बीच में, है भगवान जी, आपकी वनडे मर्जी मैच जो। ठीक खेल जा, और क्या। है भगवान जी, और भगवान जी हैप्पी होली, आपको सबसे पहले हैप्पी होली। हैप्पी होली, हैप्पी होली। हम तो आपके होली है भगवान जी, बस और तो कुछ नहीं चाहिए, अब तो बस आपके, आप ही हैं जो हर चीज से हमको टेंशन दूर कर रखा है भगवान। बहुत भगवान की होली तो और क्या चाहिए, आनंद में रहो, फिर खुश रहो, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। नम्रता अरोड़ा मुंबई। हरिओम भैया जी, हैप्पी हरि ओम, कैसी है, हैप्पी होली। होली। बहुत एक्साइटेड हूँ मिलने के लिए, 1 साल होने आया, अब ऐसा लग रहा है कि मई जल्दी आए और मैं दिल्ली आऊँ सिर्फ आपसे मिलने। अच्छा एक ऐसा लगने लगा है कि हर साल एक डोज मिल जाता है और पूरा साल बहुत अच्छा निकलता है, फिर वेट होता है नेक्स्ट अब कब जाना होगा। अब वो फीलिंग आने लग गई है अंदर से कि आना है, तो जैसे ही आऊंगी तो सबसे पहले आपसे मिलने आऊंगी। और कैसा चल रहा है सब, बहुत अच्छा चल रहा है अच्छा चल रहा है अब सब, जी, बहुत प्रोफेशन भी अच्छा ठीक है, जी। वही मदर इन लॉ के साथ ही जाती हो कोर्ट। हाँ जी, अच्छा अब सब हम दोनों को बहुत ऐसे ऐसे जोड़ी समझते हैं कि ये तो माँ बेटी है। वेरी गुड, कोर्ट में सब इतने अच्छे से जानते हैं, देखो मम्मी ने ज्ञान का इतना प्रतिफल। रिकॉग्निशन दिया है, हेल्प किया है कि अलग अच्छा अच्छे ही। होते हैं ना, खाली हमारी नजर बदलने की देर होती है, आपने थोड़ा वो सा नजर हम बदल नजर दी बदलें, हम झुकें, देखो उसी घर में कितना प्यार मिल रहा है, और जी, कहां कितनी विपरीत सोच चली गई थी, क्या क्या सोचने लगी थी, और आज उसी घर में लाडली बेटी होके रह रही हो, यही सत्संग यस का परिणाम है। और मैं तभी यस सबको बोलता हूँ, सत्संग सबके लिए बहुत जरूरी है, जी नहीं भैया तो जी, लाइफ ही स्पॉइल हो जाती, कितना दूर तक सोच लिया, क्या क्या सोच लिया, और जबकि सब कुछ अच्छा था। अब भगवान ने तो अच्छा दिया था, हम अच्छा देख नहीं पा रहे थे, हम अच्छा समझ नहीं पा रहे थे, और आज देखो वहीं पर इतना अच्छा हो गया, और वो इतनी सीनियर एडवोकेट हैं, तो नेचुरली तुम्हारी भी जगह बनती चली जाएगी, अब उनके साथ अपने आप ही मशहूर भी हो जाओगी, ओहदा भी बन जाएगा, वही सेट कर देंगे तुम्हें इतना अच्छा, अब उनसे अलग हो के तुम ये कभी नहीं कर पाती, इतना बढ़िया है ना, सच है, सच सच बात जी है ना। तो बिल्कुल। देखो आज अपने घर में, अपना घर दाता का घर, उस समय भले गुरु की बात लगती है कई बार कड़वी, कि मुझे ही मुड़ने को कह रहे हैं, मुझे ही झुकने को कह रहे हैं, क्या मैं गलत हूं, मैं क्या क्या फेस कर रहा हूं, अब पता चला कुछ भी फेस नहीं था, सिर्फ एक थाट गलत था, आज अपने थाट्स अच्छे हो गए, अपनी नजर अच्छी हो गई, अपने एटीट्यूड्स अच्छे हो गए, तेरा फेस ही बता रहा है आज कितनी हैप्पी बैठी हो, कितनी खुश हो, वेरी जी, बहुत बढ़िया, ऐसे ही सत्संग से जुड़ी रहना, जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, कभी कोई दुख नहीं आएगा, जुड़ी रहना जी सत्संग से, सत्संग कभी ना छूटे, जी ठीक है, जी ओके बेटे, हरिओम, हैप्पी गॉड ब्लेस यू, हैप्पी होली भैया, हैप्पी थैंक होली बेटे, हैप्पी होली। यू। अक्षिता लखनऊ, अक्षिता, हरिओम भैया जी, हरिओम। बहुत अच्छा लगा मिलके गई ना तो और अच्छा लग रहा है। अभी तो उसी में खुश थी कि अभी तो मिलके आई हूँ ऐसे, अभी वही बातें वही सब सोच रही, कैसे कितने अच्छे से मिलना हुआ आपसे, इतने सोच रही थी इस बार भी, बस बना दिया आपने जैसे था, कृपा की और मिलना हुआ, बहुत अच्छा लगा। अब पहुंच गए अभी।
अभी जॉब सर्च कर रही हो, हाँ जी, फिर सत्संग सुन रही हो कि नहीं साथ साथ रोज? सुन रहे, सत्संग भी सुन रहे और जूम भी ज्वाइन करते जितना हो पाता है। वेरी गुड, है कि जो भी मन में कुछ भी संशय आता है तो सुन के दूर हो जाता है, लगता है जो होगा मेरे लिए जो अच्छा होगा वही भगवान कराएंगे। गुड, वेरी गुड, बहुत सारे, सीखा जा रहा है एटीट्यूड। हाँ क्योंकि जैसे सर्च करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, कई बार कंफ्यूजन भी होता है, लगता है कि क्या सही है क्या गलत है नहीं समझ में आता, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद होता है कि अगर कुछ नहीं हुआ तो हो सकता है उसमें आगे कुछ अच्छा होगा, मुझे तो सिर्फ यही दिख रहा है बट आगे मेरे लिए कुछ और अच्छा होगा। सरेंडर अन टू गॉड, और मन में एक ही प्रेयर रख कि भगवान भले जॉब कराओ, जो जरूरी है करना होगा, लेकिन मेरा सत्संग का रास्ता बना के रखना, बस इतनी प्रेयर जरूर रखना मन में। ऐसी जॉब ढूंढना जिसमें तुम्हारा सत्संग जरूर रहे, सत्संग बिल्कुल सुन पाओ, जूम अटेंड कर पाओ। ये जो स्टार्ट किया है ना, ये लगन कम नहीं होने पाए, हाँ ये जी, कोशिश जरूर करना, ये संकल्प जरूर रखना, बाकी सब बढ़िया है, हाँ होता जी रहेगा सब। सत्संग जी साथ होगा, अभी सुना है ना, अभी भी तुमसे पहले जिनसे बात की, कितना फर्क है सत्संग से, कहाँ घर बिखरते बिखरते बच जाते हैं, कहाँ अंदर नेगेटिविटीज जो होती हैं वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाती हैं, हम खुद लविंग हो जाते हैं, प्यार देना आ जाता है, प्यार लेना आ जाता है। नहीं तो ये सब हम अपनी जिंदगी को खराब करने पे लगे हुए थे। आते हैं ना लोग, जब अभी 2 4 दिन पहले भी कोई आया था मेरे पास, हम घर छोड़ दें, हस्बैंड छोड़ दें, मैंने कहा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, हम तो सोच के आए थे आप हमारी कहानी सुन के बोलेंगे छोड़ के आ जा। मैंने कहा ये तुम्हारी गलत फहमी है, क्योंकि मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है, तुम्हें लग रहा है बहुत बड़ी आफत है, बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत सारा दुख है। चेंज योर एटीट्यूड, तुम प्यार करो, तुम लविंग बनो, तुम झुको, तुम मिटो, रास्ता बन जाएगा। इधर के लिए भी मार्ग लेना है, मिट के ही लेना है, प्यार से ही लेना है, नम्रता से ही लेना है। तो गुरु की सोच बहुत अलग जाती है, हम जरा जरा सी बातों को स्कैंडल बनाते हैं और ऐसे लगता है पता नहीं हमारे जीवन में कितने भारी दुख हैं, और जब गुरु की दृष्टि से देखो लगता है कुछ है ही नहीं, हम ही ने तमाशा बना रखा है तो कुछ भी नहीं, हम ही गलत सोच रहे हैं। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम तो बहुत कम है, गम है ही नहीं, बल्कि गम भी मेरे विचार से भास रहा है, वरना तो गम भी नहीं है। इतनी अच्छी लाइफ है, इतने अच्छे लोग हैं इर्द गिर्द, इतनी अच्छी सिचुएशंस हैं, अच्छा देखना शुरू करो, चेंज योर एटीट्यूड। अभी चश्मा लगाती हो ना, ये जरा सा नीचे खिसक जाए, ज्यादा ऊपर लग जाए, गड़बड़ हो जाती है, क्या करते हैं ऐसे ऐसे करके सेट करते हैं, एंगल सेट हो गया, सारी दुनिया ठीक दिखती है, जरा सा नीचे खिसका के देख, सिर दर्द और शुरू हो जाएगा, दुनिया और गलत दिखेगी, कहीं से टेढ़ा दिखता है, कहीं से कैसा दिखता है, गड़बड़ हो जाएगी। तो चेंज योर एटीट्यूड, जब कुछ दिक्कत आए ना, क्या करो, जरा सा यहां से ठोक लिया करो, लेंस ठीक करना है, बस लेंस ठीक कर लो, एकदम बढ़िया हाँ जी, है ये ना। वो लगता है कि जो भी मन में होता है आप अपने आप ही उसका बिना बताए आप उसका पहले ही आंसर दे देते हैं, बहुत ही अच्छा। इसीलिए कभी कुछ मन में कुछ आता भी है तो लगता है कि अब तो अच्छी जगह भगवान ने खुद हाथ थामा है तो वेरी बस गुड, तेरे लिए अच्छा होगा वही होगा। वेरी गुड, ब्यूटीफुल। हैप्पी हाँ हैप्पी होली, होली की हैप्पी शुभकामना। होली बेटा, हैप्पी होली, ओके, गॉड ब्लेस यू, हरिओम। हरिओम भैया जी, थैंक यू। अंशिका लखनऊ, अंशिका चौरसिया, हरिओम भैया जी, हरिओम। मैं बस यही सोच रहे थे कि जब जब जूम ज्वाइन करते थे तो बहुत याद तो आती है और होली पे भी आने का बहुत मन था बट हाँ नहीं अभी हो तो पाया। मैं तो इंतजार कर रहा था, अंशिका का फोन नहीं आया, कब पहुंच रही है, मैं तो रोज पूछ रहा हूँ सबसे, कोई फोन नहीं आया क्या इस बार अंशिका का, क्या हो गया, आ नहीं रही हो? नहीं भैया, इस बार होली पे नहीं आ पा रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, बात हो गई इसीलिए आज। हाँ थैंक यू भैया, अब से होली स्टार्ट हुई है। अब होली स्टार्ट हो गई,
सच में। और बताओ कैसा चल रहा है सब? मम्मी एक मैं बंद करूं अच्छा, दो चल रहे हैं। भैया, हाँ, अब करो, बात करो। अच्छा लगता है भैया, बट अब ये लगता है ना सत्संग जो डेली सुन रहे हैं, डेली प्रैक्टिस चल रही है, अपनी अपनी गलतियां दिखती हैं अब कि कहाँ कहाँ हम गलत जा रहे हैं। और अब तो लगता है कि कितनी सावधानी की जरूरत है, हर कदम पे अपनी गलतियां दिखती हैं। यहाँ मेरे से गलती हुई, यहाँ मेरी इच्छा है, यहाँ मेरा मतलब वो होता है ना अहंकार आ गया। छोटी छोटी चीजें घर में भी हो जाती हैं, उस पर भी लगता है मैंने क्यों रिएक्ट कर दिया। और थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखो, गुरु के मिलने से पहले आई एम राइट, सारे लोगों को इतना पक्का था आई एम राइट, और अब देखो हर कदम पे गलती है, आईना दिखा दिया गुरु ने। हाँ, मम्मी मम्मी आ गई। हाँ जी प्रीति जी, हेलो, कैसी हैं? जी बहुत सही। अंशिका का जी नहीं बन रहा था, आप अकेली भाग आती हैं होली पे? अच्छा, भैया जी, पता है अभी थोड़े होली के थोड़े से टाइम बाद आ रहे हैं, रिजर्वेशन हो गया है बस होली थोड़े के बाद आ रहे हैं, दिन चलो ठीक है, होली के बाद आ जाओ। में, अप्रैल के फर्स्ट वीक में। अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी आओ, मोस्ट वेलकम। सत्संग जी अच्छा चल रहा है? भैया रोज सुनते हो नियम से? सुनते रोज हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये लगता है कि जैसे आप इतनी इतनी इजी इजी थॉट दे देते हैं ना, कि हमारा आनंद शांति हमसे बस एक थॉट ही दूर है। कहीं भी हाँ, जरा सा भी हुआ तो एक थॉट ही हमसे दूर हो जाता है, जैसे ही वो हटता है वैसे ही अपने अंदर ही आ जाते हैं जैसे। तो बहुत अटकल वाली बात है, इतनी अच्छी लगी कि जैसे लग रहा है कि अंदर ही उतर गई वो, कि बिना नकाब उठाए तुम समझ लो ना कि भगवान हर हर उसमें है, कण कण में विराजमान है। तो इतने इतने छोटे छोटे से थॉट होते हैं और इतनी इजी होते हैं कि जीवन में बिल्कुल अप्लाई तुरंत जैसे होते ही चले जाते हैं। तो प्रैक्टिस चल रही है भैया जी, बहुत बस बढ़िया है, सारा दिन ज्ञान की प्रैक्टिस चलती है तो आनंद में भी तो रहते हैं। भैया ऐसे लगता है ना हम अपनी एक अलग दुनिया में जी रहे हैं, सारी दुनिया जल रही मैं मेरे की आग में, गुरु ने आकर हमें बचाया झूठे इस संसार से। हमारी अपनी एक दुनिया है जिसमें मेरा गुरु है, मैं हूँ, और ये ज्ञान अज्ञान की लड़ाई चल रही है, जड़ चेतन की लड़ाई चलती रहती है, लेकिन रोज रोज देखते हो चेतन की जीत हो रही है। रोज महसूस करोगे भगवान जीत पाता है अंदर से, और मन हारता जा रहा है, मन कमजोर होता जा रहा है, मन धीरे धीरे डाउन जाता जा रहा है। जो मन पहले राजा बन के बैठा था, हावी था हमारे ऊपर, आज वो मन धीरे धीरे अपनी सब शक्ति को हारता जा रहा है। अब ऐसे लगता है आज मन की हार हुई और गुरु की जीत। रोज एक ऐसा अनुभव होता होगा जहां तुमको अंदर बड़ा गुरूर फील होता होगा, अरे आज तो मन की हार हुई और गुरु की जीत, मैं तो गाऊं खुशी के गीत। खुशी के गीत गाने का मन करता है, क्योंकि रोज मन को हारता हुआ देखते हैं। पहले होते हम ऐसा कर जाते, लेकिन आज नहीं कर पाए, मन की हार हुई, आज फिर मन की हार हुई। रोज उन्नति होती है, गुरु से जुड़ के रोज उन्नति होती है, नो डाउट। जी भैया बिल्कुल महसूस होता है, और हर घड़ी महसूस होता है कि हर दिन बढ़ रहा है। आपका लेटर इतना पावरफुल है, मतलब ये लगता है कि कोई भी दिन मिस ना हो उसको, रोज एक नई चेतना जैसे अंदर से वो डाल देता है। और वाणी तो आपकी है, ये एक हमारी। थैंक यू ठीक भैया है ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर। भैया जी, हाँ, हैप्पी होली, हैप्पी होली भैया हैप्पी होली, जी। हैप्पी होली, सबको हैप्पी होली। ओके, हरिओम, गॉड ब्लेस। हरिओम हाँ चीनू दीदी, अनम्यूट करो, बाकियों से कल बात करते हैं। जी, हाँ सुनाओ। सच्चे बादशाह मेरी बख्शो खता, मैंने माना तू भी अंत तेरा अंत न जाना। सच्चे बादशाह
मेरी बख्शो खता मैंने माड़ा, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना, दीन छोड़ तुम्हें संग लागा, नाम न जपे आ तेरा मैं भागा, दीन छोड़ तुनी संग लागा, नाम न जपे आ तेरा मैं भागा, कोई गुण ना पल्ले नरक न मैनू चल्ले, पाप कमाना तू बेअंत तेरा अंत ना जाना, सच्चे पातशाह मेरी बख्शो खता मैंने माड़ा, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना, धरते तेरे सवाली जो आए, मोह मंगियो मुरादो पाए, डरते तेरे सवाली जो आए, मन मंगिया उपाय, मैं आया शरणी लाओ अपने चरणी, बिरद पछाना तू बेअंत तेरा अंत ना जाना, सच्चे पातशाह मेरी बख्शो खता मैंने माड़ा, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना, तर गए पापी तेरा नाम रट के, कटती जाए 84 जाप जप दे, तर गए पापी तेरा नाम रट के, कटती जाए 84 जाप जप दे, विसरना ही दाता बख्शो चरना दा प्यार, दरस दिखाना तू बेअंत तेरा अंत ना जाना, सच्चे पातशाह मेरी बख्शो खता मैंने माना, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। बहुत सुंदर, थैंक यू चीनू। बहुत दिन बाद बहुत अच्छे से मजा आया भजन सुन के तेरे मुंह से। बैठे थैंक यू वेरी मच बैठे, थैंक यू, गॉड जी। ब्लेस यू। आज की मीटिंग को यहीं विराम देंगे। थैंक यू सबका, हरिओम, खुश रहें सब।